जिंदाबाद अहमदियत जिंदाबाद अहमदियत जिंदाबाद अहमदियत जिंदाबाद अहमदियत जिंदाबाद अहमदियत जिंदाबाद आज चिरागा हर घर में है आज खुशी हर दिल में है नई सदी में हम दाखिल हैं शुक्र खुदा का हर दिल में है अहमदिया जिंदाबाद अहमदिया जिंदाबाद करते थे सदियों से जिसका वो मेहदी है आ चुका आए गाना और कोई अब आने वाला आ चुका अहमदी है जिंदाबाद अहमदिया जिंदाबाद पर चम हम इस्लाम का हर दुनिया में लहराएंगे कांटे चाहे लाख बिछा दो कदम बढ़ाते जाएंगे अहमदिया जिंदाबाद अहमदिया जिंदाबाद अहमदिया زندباد. زندہ باد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह के नाम के साथ जो बे इंतहा रहम करने वाला बिन मांगे देने वाला और बार बार रहम करने वाला है अल्लाह अशुरूम فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعني يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب हज चंद मारूफ महीनों में होता है बस जिसने इन महीनों में अपने लिए हज मुकर कर लिया उस पर लाजिम है कि हज के दौरान हर किस्म की शाहवानी बातों और बदकिरदारी और झगड़ों से सख्ती से परहेज करे और जो भी तुमने की करो अल्लाह उसे जान लेगा और ज्यादा सफर जमा करो बस यकीनन सबसे अच्छा ज्यादा सफर तकवा और मुझसे डरोल वालो बिस्मानी असलकूल वरहमत ला वक्त सामिन कराम प्रोग्राम रेडियो अहमदिया पे अतौल खुद ताहिर आपको खुश आमदेद कहता है रेडियो अहमदिया आपकी खिदमत में हर इतवार की शाम 6 से 8 बजे के दरमियान एम थर्टीन फिफ्टी पे टोरोंटो और एम सिक्सटीन टेन पे मॉन्ट्रियल में बैक वक्त पेश किया जाता है सामिन कराम अगर आप प्रोग्राम रेडियो अहमदिया इन फ्रिक्वेंसी के बजाय इंटरनेट पर सुनना चाहें तो उसके लिए हमारी वेबसाइट का पता नोट फरमा लें डब्ल्यू 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 डॉट वॉइस ऑफ इस्लाम डॉट सी ए और इस वेबसाइट पर आपको हमारे गुजशत प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग्स भी मिल सकती हैं सामिन कराम रेडियोहमदिया का मकसद एक खुशगवार माहौल में आपके सामने अहमदियत यानी हकीकी इस्लाम की तलीमत और अकायद कुरान करीम और नबी करीम आखिर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सलील वसल्लम की अहदीस मुबारक की रोशनी में पेश करना है और इस हवाले से हमारे साथ जमत अहमदिया के कोई नुमाइंदा मौजूद होते हैं जो आपके सामने किसी खास मौजू पर इब्तदाई कलिमात पेश करते हैं और फिर सामिन कराम आपको दावत दी जाती है कि आप बजरिया फोन या ई मेल प्रोग्राम में शामिल हों अपने सवाल पेश करें और हमारे मोज मेहमान उन सवाल के जवाब देते हैं प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारा फोन नंबर नोट फरमा लें फोर वन सिक्स सेवन जीरो थ्री सेवन फाइव सिक्स वन फोर वन सिक्स सेवन जीरो थ्री सेवन फाइव सिक्स वन और अगर आप प्रोग्राम में बजरिया ई मेल शामिल होना चाहें या दौरान हफ्ता हमें कोई सवाल भेजना चाहें तो उसके लिए हमारी आई डी है क्यू ऑफ़ इस्लाम डॉट सी क्वेश्चन आंसर एट वॉइसम डॉट सी ए कराम प्रोग्राम में आज हमारे साथ जनाब हादी अली चौधरी साहब मौजूद हैं हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदेद कहते हैं हादी साहब असला सामिन कराम आपको जिस तरह के मालूम है कि हादी अली चौधरी साहब एक तवील अरसे से हमारे प्रोग्राम रेडियो अहमदिया के साथ वाबस्ता हैं और आपके आपकी बास तस्नीफ़ा और आपकी जलसा है सराना कैनेडा पे की जाने वाली तकारीर जमात अहमदिया की ऑफिशियल वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट अल इस्लाम डॉट और पर देखी जा सकती हैं और इसके अलावा आप जामिया अहमदिया नॉर्थ अमेरिका में शोबा तदरीस से भी वाबस्ता हैं जी हाँ और शामिन कराम आपको बताते चलें कि हादी अली चौधरी साहब नबी के हवाले से प्रोग्राम रेडियो मददिया में प्रोग्राम पेश करते हैं और आज हम हादी साहब आपसे ही पूछना चाहेंगे कि आप किस पहलू पे प्रोग्राम पेश करना चाहेंगे जी जजाक रहीम ये आज क्योंकि आखिरी दिन है रमज़ान का और कल ईद है तो आजरत सल्ला वम की सीरत के ईद के तनाजर में ईद के हवाले से वो पेश करेंगे और इसी तरह ईद के बाद मसाइल भी सामीन इनकी खिदमत में पेश कर सकते हैं जी जी बिस्मिल्लाह शुरू करें ये? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू वनुसल्ली अला रसूलहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद नहमद अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाबारिका मोहम्मदन वाल आल मोहम्मदन अला तला इब्राहिम वाल इब्राहिम इन्ना का हमीद व मजीद क़राम ये बहुत ही बाबरकत महीना था जो गुज़र चुका है और उसके चंद लम्हात या एक डेढ़ घंटा ही बाकी रह गया है तकरीबन फिर ये रमज़ान का महीना हमसे अलविदा हो जाएगा रुखसत हो जाएगा और अगले दिन हम खुदा तला के हजूर इस शुक्राने के तौर पर ईद मनाएंगे खुशी मनाएंगे कि उसने हमें यह तफ़ी कता फ़रमाई कि उसके लिए हमने रोज़े रखे और उसके क़ुर्ब की राहों की तलाश में रहे सूरत बकरा में अल्लाह त माहम की फर्जियत और बरक़ात का जिक्र करते हुए और फितर के मफो को बड़ी लताफत और खूब खूबसूरती से बयान फरमाया है रमज़ान की फर्जियत बरक़ात और मसाइल बयान करने के बाद अल्लाह ताला फरमाता है वाल तुकमिलद्दाता वाले तुकब्बल अलमा हदकम वालम तश्कर सूरत अल्बकर की आयत नंबर एक सौ छियासी है फरमाया चाहता है कि तुम सहूलत से गिनती को पूरा करो और इस हदायत की बनाह पर अल्लाह की बड़ाई बयान करो जो उसने तुम्हें अता की है ताकि तुम शुक्र करो तो हम तमाम उन आबाब की खिदमत में उन मुसलमानों की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं कि जिन्होंने पूरे रोज़े रखे और ख़ुदा तला के क़ुरब की राहों की तलाश में वो एक वाजबी भूख बर्दाश्त करते रहे और ये महज अल्लाह तला के लिए था अल्लाह ताली कि इस निज़ाम को बयान करते हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है सोमोली वाना अजी बही या एक रवायत है व आना उजा बही इसका मतलब यह है कि इस रोज़ा मोमिन जो है मुझ पर ईमान लाने वाला मेरा बंदा मेरी खातर रखता है और मैं उसको इसकी जजा देता हूँ और दूसरी रिवायत में जो है उज्जा बहीद उसमें है कि मैं ख़ुद उसकी जजा बन जाता हूँ यानी अल्लाह ताला उस बंदे के करीब आता है और उसका होता है तो ईद एद, फितर जो है ये एक त्यौहार है इस्लामी त्यौहार जो रोज़ों की तकमील का दिन है उसके शुक्राने का दिन है और उसकी खुशी का दिन है यानि ये मुबारक दिन खुदा ताली की बुराई और अजमत के इजहार का मौका है और ईदल फितर का त्यौहार अल्लाह ताला के एहसानों पर शुक्रगुजारी की तकरीब है हमारे आका मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लाम ने ईद का त्यौहार मनाने के लिए इसी रूहानी जैबाइश की तरफ मतवज करते हुए फरमाया कि ईद का हकीकी हुस्न और खूबसूरती अल्लाह ताला के बड़ाई और हमदो तखतीस के बयान में है चुनाचे आप फरमाते हैं जयन आयादा बे तकबीर है जयन आदा बे तकबीर है कि अपनी ईदों को अल्लाह अकबर से यानि तकबीर के जिक्र से सजाओ अल्लाह की बड़ाई बयान करो क्योंकि आयत में भी है वाले तो अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करो और एक दूसरे मौके पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जयन बहलील है व तकबीर व तहमीद व तकदीस ईदैन को ला लहा अल्लाकबर अल्हदल्ला और सुबहानल्ला के वद से जीनत बख्शो चुनाचे हादीस से साबित है कि रसूलुल्लाह रसूल सल्हुस फितर के मौके पर नमाज की जगह पर पहुंचने तक और ईद अज़हा के मौके पर याम तशरीक के दौरान तकबीरात का विरद फरमाते थे एक हदीस के मुताबिक आप ये अल्फ़ाज दोहराया करते थे अल्लाकबर अल्लाकबर ला ला व्ल अकबर अल्लाकबर वा हमद तो ये तकबीरात हैं और तहमीद है और तकदीस है हज़रत ख़लीफ़तलमसीसानी रज़िया लानों ने फ़रमाया ये आपका फितर का एक खुतबा है जो उन्नीस सौ साठ में उनतीस मार्च को आपने शाद फरमाया ईद के हवाले से आप तो फरमाते हैं कि मोमनों की हकीकी ईद अल्लाह ताला की तीयी और उसकी अजमत के बयान करने में ही है मोमनों की हकीकी ईद अल्लाह ताला की बड़ाई और उसकी अजमत के बयान करने में ही है बस अगर हम दुनिया में अल्लाह ताला की अजमत कायम करने में कामयाब हो जाएं और उसके नाम को फैलाएं फैला दें उसकी बड़ाई को साबित कर दें तो और अपनी तमाम कोशें और मसाई इस गर्ज़ के लिए वक्फ़ कर दें कि खुदा ताली का नाम बुलंद हो तो यकीन हमारी ईद हकीकी ईद कहला सकती है तो ये वो काम है जो दुनिया में करने वाला है ईद महज एक खुशी का नाम तो है एक त्यौहार तो है मगर हकीकी ईद ये है कि हम कोशिश करें और रसूल सल्ला वम के पैगाम को दुनिया के हर फर्द तक पहुँचा दें और वो उनको अल्लाह ताला के हजूर पेश कर दें अलैहि वसल्लम के दीन पर कायम करके तो ये हकीकी ईद है अलैहि वसल्लम की पहली ईद के बारे में अर्ज है कि आगाज़ इस्लाम पर यानी चौदह पंद्रह बरस गुजरने के बाद जब अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तेरह चौदह साल गुजरने के बाद और हिजरत का दूसरा साल था तो इस लिहाज से ये पंद्रह साल तकरीबन बन जाते हैं तो अल्लाह ताला ने रमजान के रोजे फ़र्ज फरमाए यानी सन दो हिजरी में रमज़ान के रोजे फ़र्ज हुए हैं पंद्रह साल बाद नबूवत के पंद्रहवें साल और इसके बाद मदीने में पहली फितर मनाई गई यानी यही सन दो हिजरी में चुनाचे मर्रखी लिखते हैं कि इन्ना अवला ई दिन सफ़ी है रसूल सीदलफ़ित्र मनातानिया के पहली ईद जो ने सदा फरमाई या मनाई वो सन दो हिजरी में था थी। अब लाहे सल्ला लाहे की जिंदगी एक मसलसल ज़दोजहद और हर वक्त मसरूफ़ और कई किस्म के चैलेंजेस और मुहिमात पर मबनी थी और तारीख से साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली ईद मनाई वो दो हिजरी को थी इसके बाद आपकी ज़िंदगी में नौ ईदें आईं और सन दो हिजरी में माह श्याम की फर्जियत से लेकर वफात तक का अरसा आपकी ज़िंदगी का मसरूफ़ तरीन और हंगामा आरई से मामूर वक्त है जद्दोजहद और जहद मुसलसल से भरा हुआ है इस दौरान मुखालफी की तरफ से मुसलमानों पर पैदर पै हमले किए गए और आपका बहुत सा कीमती वक्त दफाई जंगों में सर्फ हुआ मदीने में इस्लामी रियासत की तश्ील के बाद आपकी ज़िम्मेदारी में गैर मामूली इजाफ़ा हो गया तबलीग इस्लाम और अशात कुरान की मुहिम भी ज़ोर शोर से जारी थी कुरान करीम ने आपकी गैर मामूली मसरूफियात का नक्शा आयत करीमा लाकाफिन नहार सबहन तवीला के अल्फाज में बयान फरमाया है कि सारा दिन तो कामों पर इस तरह मामूर रहता है जिस तरह एक शख्स पानी पर तैर रहा हो गोया काम इतने हैं कि आप जैसे उस पर तैर रहे हैं तो बदर और जंग बदर और उहद और फ़तह मक्का जैसे गैर मामूली वाक़ात रमज़ान या शवाल के महीनों में आए ख़ास पर बद जो है ये सोलह या सतारा रमज़ान में हुई तो इसी में फिर ईद भी आई और जो मक्के की फ़तह थी इसका सफ़र भी रमज़ान में दस रमज़ान को शुरू हुआ तो यहाँ सोचने और गौर करने की ज़रूरत है कि इन जाम में रसूल सल्ला वसम और आपके मुखलस बा वफ़ा साथियों को कैसे कैसे हंगामी हालात से गुज़रना पड़ा गजवा बदर के मार के से फारग ही हुए थे कि होते पहले फितर का मुबारक दिन आ गया अगले ही साल फितर के फ़ौरन बाद मश्रकन मक्का ने दूसरे हम उनकी तरह मशरक मक्का जो थे उन्होंने मदीने का रुख किया और गज़वा उहद पेश आया तो रमज़ान की बरक़ात के साथ ईद की आमद गोया आपके लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों के लिए एक राहत तो और सुकून का लम्हा था क्योंकि खुदा तआला की बड़ाई और शान के इजहार का मौका आपको नसीब हो रहा था यही आपका मकसद हयात और सुकून कल्ब था इन नाम में भी आपने ईदें मनाई उन मुश्किलात और मसायब के दिनों में भी आपके कल्ब मुबारक पर अल्लाकबर अल्ला ला 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 की सदाएँ बुलंद होती रहीं और ख़ुदा की हमदोसना और बड़ाई के इजहार के लिए आप तम तदम वफात कोशा रहे जो अभी जिक्र हुआ है कि जंगे हुई रमज़ान में चुनाचे बदर का जो जंग बदर है वो रमज़ान के महीने में ही आई दो हिजरी का वाक़ है ये और रवायत के मुताबिक जो रमज़ान के महीने में दूसरी दूसरा मार्का है दूसरी मुहिम है वो मक्का की है आप मदीने से दस रमज़ान को रवाना हुए और फिर ये मक्का का जो की मुहिम जो थी ये पेश आई तो उसके बाद आगे जंग हुनैन हुई और जंग ताइफ वगैरह तो लेकिन फ़तेह मक्का जो है ये रमज़ान के महीने में जी बहुत बहुत शुक्रिया हादी साहबिया पे टोरटो और एम 1610 पे मॉन्ट्रियाल में बैक वक्त पेश किया जाता है अगर आप हमारा ये प्रोग्राम इन फ्रीकेंसीज के इंटरनेट पर सुनना चाहें तो उसके लिए हमारी वेबसाइट का पता है डब्ल्यू 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 डॉट वॉइस ऑफ इस्लाम डॉट सी ए प्रोग्राम में आज हमारे साथ जनाब हादी अली चौधरी साहब मौजूद हैं और प्रोग्राम के आगाज में आपने सीरतनबी सल्लाम के हवाले से और माह रमजानुल मुबारक के अख्ताम और ईद के हवाले से इब्तदाई कलमा पेश किए हैं और हकीकी ईद का मफहूम पेश किया है आ, ये सिलसिला अभी जारी है आप भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारा फोन नंबर फोर वन सिक्स सेवन जीरो थ्री सेवन फाइव सिक्स वन फोर वन सिक्स सेवन जीरो थ्री सेवन फाइव सिक्स वन और अगर आप प्रोग्राम में बजरिया ई मेल शामिल होना चाहें तो उसके लिए हमारी आई डी क्यू एन क्वेश्चन आंसर At qa, यानी answer, at जी हाँ सर। तो ये मैं अर्ज कर रहा था कि जो जंग, जंगे भी रमजान में हुई और ईदें भी इसी तरह ही साथ गुजरी और जो तबूक का सफर था बहुत लंबा सफर और सख्त गर्मी के दिन और रमजान में हुआ ये भी यानी ज़ीकादा में ये शुरू हुआ रमज़ान में तो नहीं हुआ ज़ीकादा में शुरू हुआ लेकिन ज़ीकादा के बाद फ़ौर झीलहजा आ जाता है और बड़ी ईद आ जाती है तो ये जो बड़ी ईद है ये भी उसी सफ़र की है ईदिया जी तो ये रसूल सल्हस के मुख्तलफ़ ईदों के हालात हैं गजबाए जो था ख उसमें भी बड़ी तकलीफ का जो मंज़र था बड़ी जुद्दह दौर जाफानी वाले हालात थे तो वो भी इसी तरह ही रमज़ान के इर्द गिर्द थी बहरहाल अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो जदें आईं उनमें से बाज़ मदीन में हुई और बाज़ इसी तरह ही मुहिमात के नज़र हो गई या उस उनके दौरान आपने अल्लाह ताली की तकबी तकबीर की और तकदीस की और तहमीद की रसूल सल्ला वल्लम के जो ईद के ईद के बारे में रसूल सल्लम की बाज़ सुन्नत है वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि ने नेदैन की रात को यानी जिस दिन ईद होती है उससे पहली रात यानी रमजान जिस दिन ख़त्म होता है और अगले दिन ईद होती है उस रात को इबादत करने वालों को खुशखबरी ताफरमाई है कि जिस दिन दिल मुर्दा हो जाएंगे तो ऐसे लोगों के दिल फिर भी ज़िंदा रहेंगे यानी एक नवीद दी है कि इबादत करने वालों को एक नई ज़िंदगी इस रात की इबादत में भी मिलती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक था कि आप ईद के दिन ज़रूर गुसल फरमाते थे फिर ईद के मौके पर अच्छी किस्म का यमुनी लबासन फरमाया करते थे ईदालफ़ित्र के दिन आप कुछ खजूरें तनावल फरमा ईद की नमाज पढ़ते रवायत में आता है कि ताक खजूरें होती थी तीन या पाँच या सात इस तरह ईद के नमाज में औरतें भी शामिल होती थीं बल्कि ताकिद थी कि वो भी शामिल हों के जो फायजा हैं वो भी उसमें जा सकती हैं मगर वो नमाज नहीं पढ़ती खुतबा सुनती और तकबीरात वगैरह कहती हैं रसूलुल्लाह रसूल सल्ला ने ईद की नमाज़ से पहले फ़ितराना जिसको फितर भी कहते हैं उसकी अदायगी वाजब करार दी है इसलिए जिन दोस्तों ने या बहनों ने अभी तक ये नहीं अदा किया वो ज़रूर नमाज से पहले अदा कर दें फितर है और ईद फंड है ईद की नमाज से कबल अकामत या अज़ान नहीं कही जाती ईद से पहले या बाद में कोई नफर नमाज सल्लल्लाहु सल्ला व नहीं पढ़ते थे ईद से पहले या बाद में कोई नफर नमाज नहीं पढ़ते थे फितर के मौके पर पहली रकत में सात और दूसरी रकत में पाँच जायद तकबीरें होती हैं आप कहते थे और रसूल अलैहि वल खुतब ईद की नमाज़ के बाद अरसाद फरमा नमाज पहले होती है और ख़ुतब हज़र सल्लम बाद में अरसाद फरमाते थे अब ईद फितर के बारे में बाज बातें रसूलुल्लाह वसल्लम की सीरत और आपके की सुन्नत के मुताबिक पेश करता हूँ हज़रत अब्बालहमान बिन नौफ़ रजी फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम से सुना है आप इन दो ईद के दिनों में रोज़ा रखने से मना फरमाते थे यौमुल फितर तो फरमाया कि यौमुल फितर तो तुम्हारे रोज़े छोड़ने का दिन है और मुसलमानों की ईद है और यौमुल अधा में तुम अपनी कुर्बानियों के गोश्त खाया करो ईद के दिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ख़ास सफ़ाई का अहमाम फरमाते गुसल फरमाते मसवाक और खुशबू का इस्तेमाल करते और साफ सुथरा लिबास जेब तन फरमाते अगर मैसर हों तो नए कपड़े पहनते मुसलमानों को इस कौमी व मजहबी त्योहार में शमूलियत के लिए आ हज़रतल् ख़ास तहरीक फरमाते थे हज़रत तुम्हें अतिया बयान फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह रसूल हमें खुद फरमाते थे कि हम ईदैन के दिन सब लोग औरतें बच्चे ईद पर जाएँ यहाँ तक के हायजा औरतों को भी ईद और उसकी दुआ में शामिल होने का हुक्म होता अलबत्त वो नमाज में शामिल नहीं होती थी बल्कि इतना ताकिदी उर्शाद इस बारे में फ़रमाया कि अगर किसी लड़की के पास उड़नी ना हो तो वो किसी सहेली से मांग ले और ईद पर जरूर जाए हज़र सल्ला वसम ईदलफित्र के रोज़ सुबह की ताक खजूरें तनावल फरमा कर ईद पर जाते अलबत् ईद अज़िया के दिन आपबानी के गोश से खाना शुरू करते थे यानी ईद पढ़ के आके ईद ईद तक रोज़ा तकरीबन होता था और जब वापस तशीव लाते तो फिर कुर्बानी के गोश से ही खाना शुरू करते तो आपका मामूल था कि एक रास्ते से ईदगाह में तशरीफ़ ले जाते और दूसरे रास्ते से वापस तशरीफ लाते तो मकसद ये था कि मुसलमानों के इस त्यौहार की अज़मत लोगों पर ज़ाहिर हो और वाहम भी ज़्यादा लोगों से मुलाकात और ख़ुशी के ज़्यादा मौक़े मुयसर हैं अगर बारिश वगैरह के बायस ईदगाह में नमाज ईद के लिए ना जा सकें तो महल की मस्जिद में ही नमाज ईद अदा की जा सकती है ये मामूली जो आसानियाँ हैं वो काफ़ी मौजूद हैं लेकिन मकसद यह है कि ईद ज़रूर अदा की जाए चाहे वो किसी मजबूरी की बिना पर घर में या अपने महल की मस्जिद में की जाए ईद के दिन खेल और वर्जी मुकाबले भी होते थे चुनाचे हजरत ऐशा रजी की रवायत है कि ईद के मौके पर अहल अबशा ढाल और बर्छी से अपने खेल और महारत के फन दिखाते थे तो फरमाती हैं कि शायद मैंने हज़रत अलैहि वसल्लम से अर्ज की या आपने खुद फरमाया कि क्या इनके खेल करतब देखना चाहती हो मैंने कहा हाँ तब आपने मुझे अपने पीछे खड़ा कर लिया इस तरह के मेरा रखसार आपके रखसार के साथ था आप खेलने वालों का खूब हौसला बढ़ाते थे फिर मैं ख़ुद ही थक गई तो आपसे आपने मुझे फ़रमाया कि बस काफ़ी है मैंने कहा हाँ आपने फरमाया अच्छा तो जाओ इसी तरह ईद के दिन रौनक के लिए गीत वगैरह सुनने में भी हरज नहीं बशर्ते कि वो जायज़ हदूद में हो, ये फोहश गीत ना हो। और उसकी मिसाल यह है कि हज़रत रजी की ही रिवायत है कि एक दफ़ा ईद के दिन अनसार की दो लड़कियाँ आपके पास बैठी जंग बस के नगमे गा रही थी हाँ हज़रत सल्हुस तशरीफ़ लाए तो आप अपने बिस्तर पर आकर दूसरी तरफ मुँह करके लेट गए यानी उन्हें कुछ नहीं कहा उन्हें उसी तरह ही जो दिलचस्पी थी उनकी ताकि कायम रहे कुछ नहीं कहा थोड़ी देर बाद हज़रत अबू बकर रजी तशरीफ़ लाए तो उन लड़कियों को गाते देखकर मुझे डांटा यानी हज़रत आयशा फरमाती हैं कि आपने मुझे डांटा वालत थे आपके तो उन्होंने डांटा और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ये शैतानी गाना इस पर हज़रत वसल्लम ने फरमाया कि अबू बक्र हर कौम की ईद का एक दिन होता है और ये हमारी ईद का दिन है यानी इसमें अगर बच्चे या दूसरे खुशी से कुछ प्रोग्राम तो बनाते हैं तो वो दुरुस्त है लेकिन अच्छे खाने खूबसूरत कपड़े और खेल कूद तो ज़ाहरी खुशी के इजहार के तरीक़ हैं एक मुसलमान की हकीकी ख़ुशी और सच्ची तो ये है कि उसका खुदा उससे राज़ी हो जाए इसलिए तीस दिन के रोज़े रखने के बाद ईद के रोज़ मुसलमान खुदा तला के शुक्राने के तौर पर दो रकत नमाज ईद भी अदा करते हैं और इसमें उन्हें खुदा तला की तरफ से एक तस्किन का सामान मुहैया किया जाता है कि खुदा की खातर रोज़े रख के उन्होंने अल्लाह का शुक्र भी अदा कर लिया है लेकिन बतौर बैसीत मजमू असल आदिछ, असल ईद की खुशी और असल ईद वो है जो हज़रत मुसलिम ने बयान फरमाई कि जब तक सारी दुनिया में खुदा तला की तहमीद तकदीस नहीं होती उसकी तकबीर नहीं होती उस वक़्त तक हकी ईद नहीं है अदीत से पता चलता है कि हज़रत सल्ला वैन के मौके पर ईदगाह तशरीफ़ ले जाते और सबसे पहला काम ये करते कि नमाज शुरू फरमाते नमाज से फरागत के बाद लोगों के सामने खड़े होते और लोग अपनी सफ़ों में बैठे रहते हजूर सल्ला वम उनको वाजो व नसीहत फरमाते ज़रूरी अहकाम का अलान फरमाते कभी कोई लश्कर भेजना होता तो उसकी रवानगी का हुक्म फरमाते और फिर उससे फारग होकर घर वापस तशरीफ़ ले जाते तो इससे मालूम होता है कि ईद के रोज़ भी बाज़ात लश्कर भेजे गए हैं तो ये भी साहबा ने कुर्बानियाँ पेश की हैं कि ख़ुशी के दिन भी वो अल्लाह की खातर अपनी जाने देने के लिए रवाना होए हैं ईद के खुतबे में औरतों को भी शामिल किया जाता है और उन तक आवाज़ पहुँचाने का कोई ज़रिया ना हो तो इमाम पर्दे का लिहाज रखते हुए अलग तौर पर भी औरतों को ख़िताब कर सकता है चुनाच हज़रत सल्ला वसम ने एक ईद का ख़ुतबा दिया उसके बाद आप औरतों की सफ़ों के पास तशरीफ़ लाएँ हज़रत बिलार रजी आपके पास थे आपके साथ थे आपने उनको वाज़ो नसीहत फरमाई यानि औरतों को वाजो नसीहत फरमाई आपने इस वाजीत नसीहत में उन्हें खामदों की अतात और जबान दराजी से बचने की तलकिन फरमाई और सदका देने की तहरीक की हजूर सल्लाम की इस तहरीक पर औरतें अपने हाथ कानों और गले के जेवर उतार उतार कर हजरत बिलाल की चादर में डालने लगी और इसके बाद रसोल सापस तशरीफ लाए नमाज ईद में न तकबीर होती है ना आजान इमाम तशरीफ़ लाते हैं पोडियम पर लोगों के सामने खड़े होकर वो खुतबा देते हैं नमाज पढ़ते हैं पहले और उसके बाद खुतबा देते हैं नमाज ईद का वक्त सूरज के नेजे भर आसमान पर आ जाने का है नेजे से मुराद है थोड़ा सा ऊंचा हो जाए तो फिर जा यानि धूप पूरी तरह निकल आए उसकी तो जिस तरह नेज़े को खड़ा करें सीधा तो वो आसमान पर बुलंद नज़र आ जाता है पूरी तरह ऊपर नहीं बल्कि ज़रा नीचा होता है मगर धूप पूरी तरह निकल आती है मौसम और हालात के लिहाज से ईद का वक्त लोगों की सहूलत को मद्देनजर रखकर रख कर मुकर करना चाहिए आम तौर पर ईद उफ़ित्र नस्बता तखीर से और ईद अज़िया जल्द ही पड़ी जाए और यही सुनत है क्योंकि ईदाज़िया में जाकर कुर्बानी करनी होती है तो वो ज़रा जल्दी हो तो बेहतर है नमाज ईद की दोनों रकत में आवाज से किरात की जाती है सूरत फातिहा के बाद कोई सूरत तलावत करते हैं नीज़ तलावत शुरू करने से पहले तकबीरें भी कही जाती हैं चुनाचे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रकत में सात और दूसरी रकत में पांच तकबीरें कहा करते थे जी बहुत बहुत शुक्रिया हादी साहब सामिन कराम आप प्रोग्राम रेडियो अहमदिया समात फरमा रहे हैं आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम हर इतवार की शाम छः से आठ बजे के दरमियान एम थर्टीन फिफ्टी पे ट्रांटो और एम सिक्सटीन टेन पे मॉन्ट्रियाल में बैक वक्त पेश किया जाता है और वेबसाइट अगर आप वेबसाइट पर हमारा ये प्रोग्राम सुनना चाहें तो उसके लिए हमारी आई डी है वेबसाइट का पता है डब्ल्यू 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 डॉट वॉइस ऑफ इस्लाम डॉट सी ए प्रोग्राम में आज हमारे साथ जनाब हादी अली चौधरी साहब मौजूद हैं और प्रोग्राम के आगाज़ में आपने सीरबी सल अल्लाह वसम के हवाले से और माहिर रमजानमबारक के अख्ताम और ईद के हवाले से इब्तई कलमात पेश किए और सलील वसलम की पाकिजा सीरत से उनका नमूना हमारे सामने पेश किया और यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू रहेगा आप भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं फोर वन सिक्स सेवन जीरो थ्री सेवन फाइव सिक्स वन फोर वन सिक्स सेवन जीरो थ्री सेवन फाइव सिक्स वन बज्रिया ई मेल प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारी आई डी नोट फॉर्मा लें क्यू एन आंसर एट वॉइसम डॉट सी ए क्यू एन आंसर एट इस्लाम डॉट सी ए सामिकर आपको बताते चलें कि मॉन्ट्रियाल में आज अवतार का वक्त आठ बजकर दो मिनट है और मस्जिद बैतुल इस्लाम जो कि वॉन में वाक़ है जिसके नवाज़ से हम ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं यहाँ पे अवतार का वक्त आठ बजकर बाईस मिनट होगा जी हादी साहब एक हमें ई मेल मौसू हुई है जी, अभी आप इसी सिलसिले में बात कर रहे थे तारिक साहब पूछना चाह रहे हैं कि ईदैन के मौके पे जो एक्स्ट्रा सात और पांच तक भी रात कही जाती हैं बिल तकतीब दोनों अलाकात में उसकी क्या हमत है पहली हमत तो इसकी ये है कि रसूल सल्लाम ने यह सुनत कायम फरमाई आपका इरशाद है तो पहली हमत तो ये है कि ये सुन्नत की पैरवी मूजब है और की सुन्नत के पीछे हमें ये करना है एक हमत तो ये है जिसको अताहत में ले लें या आलम की पैरवी में जो भी है तो ये बरकत का मूजब है दूसरा चूंकि अल्लाह ताला क़ुरान के में फरमाता है वाले तो कब्बर आलादाकुम तो इसमें तकबीरें आम नमाज की नस्बत ज़्यादा आ, महसूस होती हैं कि ये अल्लाह ताला की का ख़ास हुक्म है क्योंकि आम नमाजों में तो इस तरह हुक्म नहीं है वह हज़रत अलैहि वसल्लम ने जिस तरह सिखाया उस तरह हम अदा करते हैं तो ये वाले तो तुकबरल आलामा अद्दाकों इस में इसमें जो आ, तहमीद तकदीस और तकबीरें हैं वो ज़्यादा कहनी चाहिए यहाँ ख़ास तौर पर रोज़ों के बाद ये अल्लाह त फरमान है रोज़े रखने के बाद तो इसमें यह हमत है कि अल्लाह ताला का फ़रमान है और उसके मुताबिक हमें अल्लाह ताला की तकबीर और तहमीद करनी है और तीसरी बात यह है कि इस अलग तरीके की जो तकबीरात हैं इससे इस नमाज की एक अलहदा आज़मत और हमत कह लें या इसका तकद्दस जो है वो सामने आता है कि ये ख़ास चीज़ है जो अल्लाह ताली की तरफ से अल्लाह ताली के लिए हम अदा करते हैं तो ये बातें हैं जिसकी वजह से ये तरीक बयान किया गया है जी बहुत बहुत शुक्रिया जी इस वक्त कोई कॉलर तो हमारे साथ जी, आप मज़ीद हाँ जी माह रमजान गुजरने पर यकम शवाल को अफतार करने और रोजों की बरक़ात हासिल करने की तोफीक पाने की खुशी में यानी रोजे ख़त्म हो जाते हैं तो अफतार करके यकम शवाल को इसकी बरकत हासीक पाने की खुशी में फितर और फिर दो महीने बाद दो महीने दस दिन बाद दसवीं झलहिज़ा को हज की बरक़ात मुयसर आने की खुशी में और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में ईदाज़ी मनाई जाती है नमाज ईद का अजतमा एक रंग में मुसलमानों की सकाफ़त और दीनी अज़मत का मजहर होता है इसलिए इसमें मर्द औरत बच्चे सभी शामिल होते हैं ईद के दिन नहा कर लिबास पहना जाए खुशबू लगाई जाए अच्छा खाना तैयार किया जाए फितर हो तो ईद की नमाज़ के लिए जाने से पेशतर मसाकीन और गरबा के लिए फितराना अदा किया जाए ख़ुद भी कुछ खा पी कर ईद की नमाज के लिए जाए लेकिन अगर कुर्बानी वाली ईद हो तो नमाज से फ़ारग होने के बाद वापस आकर खाना ज़्यादा बेहतर है और यह सुनती इसी तरह ईद की नमाज के लिए आने और जाने का रास्ता मुख्तलिफ हो तो ये मस्तहब है और ज़्यादा सवाद का स्वाब का मूजब है हाँ वसल्लम की सुनत की पैरवी भी भी हो जाती है और लोगों से खुशी के मौके पर ज़्यादा मिला जा सकता है दोनों ईदों पर ईद की दो रकत नमाज किसी खुले मैदान या ईदगाह में जवाल से पहले पड़ी जाती है जिस पहले भी अर्ज़ की गई थी कि नेज़े की बुलंदी और फिर यह है कि जब सूरज पूरा ऊपर आ जाए उससे पहले पहले तो ये उसका वक्त है ईदुलफ़ित्र जो है ये कुछ ए, देर से हो सकती है यानी जवाल से पहले किसी वक्त भी लेकिन ईद अजी अज़रा पहले पढ़ लेनी चाहिए लेकिन एक नज़ा सूरज ऊपर आ जाए तब तो नमाज़ हसब ज़रूरत ईद की मकामी मस्जिदों में भी अदा की जा सकती हैं बारिश हो या कोई और हंगामी हालात हों कई किस्म के एमरजेंसी हालात हो जाते हैं ईद की नमाज बाज़मात ही पढ़ी जा सकती है अकेले जायज़ नहीं यानी अगर कोई शख्स ईद की नमाज ना पढ़ सके तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको इसका कफारा अदा करना है या उसने दोबारा पढ़नी है अगर नहीं पढ़ सका तो कोई बात नहीं वो चली गई तो अकेले ये नहीं पढ़ी जा सकती ये जमात के साथ ही है नमाज की पहली रकत में नमाज़ की पहली रकत में सना के बाद और तवुज़ से पहले इमाम सात तकबीरें बुलंद आवाज़ से कहें और मुक्तदी आस्ता आवाज़ से ये तकबीरात कहें यानी अपने ऐसी आवाज़ में कि जिससे शोर ना पैदा हो, जेर लब वो ये पढ़े यानी पहली तकबीर जो होती है जिस नमाज़ में भी हम करते हैं तो तकबीर के बाद सना तवाुज़ और सना है सना और तवाज़ है और उसके बाद फिर सात रख सात तकबीरें हैं और उसके बाद फिर इमाम जो है इमाम और मुख्त दोनों तकबीरात कहते हुए हाथ कानों तक उठाएं और खुले छोड़ दें तकबीरात के बाद इमाम आउज़ और बिस्मिल्लाह पढ़े, तवज़ और बिस्मिल्लाह पढ़े। इसके बाद सूरह फातिहा और कुरान करीम का कोई हिस्सा बिलजहर पढ़ कर पहली रकत मुक, मुकम्मल कर लें फिर दूसरी रकत के लिए उठते ही यानि अल्लाह अकबर करके जब रकत के लिए उठ जाते हैं तो उसके बाद पाँच तकबीरें कहें और फिर ये रकत मुकम्मल होने पर तशाह और दरू शरीफ और मसनू दुआओं के बाद सलाम फेरे इसके बाद इमाम खुतबा पढ़े जुमे की तरह ईद के भी दो खुतबे होते हैं यानी अरबी में जो पढ़ा जाता है शुरू में शुरफात्या पढ़ते हैं फिर तशाह पढ़ते हैं यह पहला खुतबा है और अपनी ज़बान में कुछ बयान करने के बाद फिर वो दूसरा अलमदीनों से यह दूसरा खुतबा है तो ये दो खुतबे ईद के खुतबे में भी पढ़े जाते हैं अगर ईद की नमाज़ पहले दिन जवाल से पहले ना पढ़ी जा सके तो फितर दूसरे दिन और अज़रिया तीसरे दिन तक जवाल से पहले पढ़ी जा सकती है जवाल का मतलब है जब सूरज बिल्कुल ऊपर आकर दूसरी तरफ ढलना शुरू होता है तो उसके बाद ईद की नमाज नहीं होती तो जवाल से पहले पहले पढ़नी है तो अगर रह जाती है पहले दिन बाजमात तो दूसरे दिन बाजमात पड़ी जा सकती है और ईद अजिया जो है ये तीन दिन तक पड़ी जा सकती है दोनों ईदों की नमाज एक जैसी है फर्क सिर्फ ये है कि बड़ी ईद की नमाज ख़त्म होने के बाद इमाम और मुक्तदी कम अज कम तीन बार आवाज़ से तकबीरत करें इसी तरह नवी जिल हजा की फजर से फजर की नमाज से तेरहवीं झीलहजा की असर तक नमाज आ, आ, बाजमात फर्ज नमाज के बाद बा वाज़ बुलंद यही तकबीरात कही जाएँ तो ये तकबीरात जो हैं तकबीरत जल्ला अकबरअल्लाकबर ला अल्लाकबर व्ल् अकबर वाहमद तो ये तकबीरात हैं जो नमाज़ ईदालफ़ित्र है इसमें भी नमाज ईदलफ़ितर की नमाज़ ख़त्म होने के बाद तकबीरात कही जाती हैं बस ये इसी हद तक महदूद है तो ईदिया की जो नमाज है उसके लिए आते हुए और वापस जाते हुए भी ये तकबीरत बुलंदबाज से कहना मसनून है वलम की सुनत है नमाज ईद क्या ज़रूरी है इसका जवाब यह है कि ईद की नमाज सुनत मददा है चुनचे रसूल सल्ला वसलम का इर्शाद है कि ईद के लिए आम लोगों के अलावा औरतें और बच्चे भी हैं अलबत्त हाइजा औरतें नमाज में शामिल ना हों वो अलग बैठ कर तकबीर व तहमीद में मशहूल रहें ईद की नमाज बाजमात ही हो सकती है ये अकेले जायज़ नहीं तो तकबीरत का पूरा बयान कर दिया गया है तकबीरत ईदेन कितनी हैं? इसमें हमारी जमात का मसला क्या है तो अर्ज़ है कि जमात अहमदिया का मसलक जो तवातर अमली तवातर अमली की हैसियत रखता है यानी मुसलसल हमारा इसी पर अमल है वो ये है कि पहली रकत में सात तकबीरें और दूसरी रकत में पाँच तकबीरें क़रात से पहले कही जाएँ हर तकबीर के साथ हाथ कानों तक उठाए जाएँ और फिर खुले छोड़ दिए जाएँ सातवीं या पाँचवीं तकबीर के बाद सीने पर हाथ बांधे जाएँ उसके बाद तवज़ और बिसमिल्ला के साथ कराहत शुरू की जाए इस बारे में सबक राम रज़ी ला का अमल और उनके अकवाल अकवाल सनत की हैसियत रखते हैं हजरत अबूर रजी लह और हज़रत अब्दुल्ला बिन अम रजीम कतरी के अमल ये था कि पहली रकत में सात तकबीरें और दूसरी रकत में पाँच तकबीर क्रार से पहले अदा करते थे ये पहले भी अर्ज किया गया है कि खुतबा जो है वो दो दोनों खुतबे हैं जिस तरह आम जुमे में होते हैं उसी तरह दूसरे खुतबे के बाद यानी पहले तो नमाज हो जाती है फिर खुतबा इमाम देता है और जब यह खुतबा ख़त्म होता है तो उसके बाद हाथ उठाकर दुआ की जाती है लेकिन ये ज़रूरी नहीं है यानी हर जुजवे खुतबा नहीं यानी ये जो दुआ होती है बाद में हाथ उठा कर करना ये जुजवे खुतबा नहीं तहम अगर कोई इस तरह हाथ उठा कर दुआ मांगे तो ये जायज़ है और मरकज में यानी हमारी जमात का इसी के मुताबिक अमल है कि हम ज़रूर दुआ करते हैं लेकिन इसका इल्ताम हदीस और सुन्नत से इस तरह साबित नहीं है इसलिए दूसरे खुतबे के बाद अगर किसी जगह हाथ उठाकर दुआ ना मांगी जाए तो उस पर इतराज़ नहीं होना चाहिए तो ये ईदैन की नमाज और उसके साथ मसाइल और सल की पाक सुन्नत थी जो आपके सामने पेश की जी बहुत बहुत शुक्रिया हादी साहब सामिने कराम आप प्रोग्राम रेडियो अहमदिया समाज फरमा रहे हैं आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम हर इतवार की शाम छह से आठ बजे के दरमियान एम थर्टीन फिफ्टी पे टोरंटो और एम सिक्स टेन पे मोटरियाल में बैक वक्त पेश किया जाता है और अगर आप हमारा ये प्रोग्राम इन फ्रीकवेंसीज के बजाय इंटरनेट पर सुनना चाहें तो उसके लिए हमारी वेबसाइट का पता है डब्ल्यू और इस वेबसाइट पे आपको हमारे गुजशत प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग्स भी मिल सकती हैं सामिकर प्रोग्राम रेडियो अहमदिया का मकसद एक खुशगवार और दोस्ताना माहौल में आपके सामने अहमदियत यानी हकीकी इस्लाम की तलीमत और अकायद कुरान करीम और नबी करीम आखिर उजमा, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल अल्लाह की अहदीस मुबारक की रोशनी में पेश करना है इस हवाले से हमारे साथ जमात अहमदिया के कोई नुमाइंदा मौजूद होते हैं आज हमारे साथ जनाब हादी अली चौधरी साहब मौजूद हैं और सवाल जवाब का सिलसिला जारी है प्रोग्राम के आगाज़ में आपने सरतनबी सल्हु वसलम के हवाले से और माहिर रमजानबारक के अख्ताम और ईद के हवाले से कुछ गुजारिश पेश की और हमें हकीकी ईद का मफूम बताया आ, यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू रहेगा और सामि कर आपसे गुजारिश के आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं फोर वन सिक्स सेवन जीरो थ्री सेवन फाइव सिक्स वन फोर वन सिक्स सेवन जीरो थ्री सेवन फाइव सिक्स वन अभी हम आपकी खिदमत में एक कसीदा पेश करेंगे जो कि हजरत मसीमद का पाकिज़ा मंजूम कलाम है समात फरमाइए कुछ ही लम्हा में इंशाला हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे في هذه الدنيا وباسم ثاني والله إن محمدا كردافة وبه الوصول بسدة السلطان ها محمد By God, the Holy Prophet Muhammad is certainly like the Prime Minister in his spiritual relation to Almighty God. And it is through him alone. That there can be access for anyone to the threshold of the King Almighty God. <laughs>

Also cherish him and take pride in him. <speaking> in <foreign language> The presence of Allah, the Protector, is reflected in the blessed face of the Holy Prophet. In his entire manner, and moral conduct sparkles with the same characteristic magnificence. La sharikan Muhammadan khairul wara riqul qiram wa nukbatul a'yani. He Muhammad la jaram

Of the elect of God. وخير كل مقرب متقدم والفضل بالخيرات لا بزمان هل مقرب سته He is preferred over everyone who is front raking and has achieved nearness to Allah. And remember that excellence of spiritual rank is because of his virtues, not.

The Holy Prophet of Islam possesses superiority over all creation due to his spiritual excellence, his elegance and grace, and his majesty and his ever fresh and spiritually refreshing heart. And soul. الفيته بحر الحقائق والهدى ورأيته كالدر في اللمعان رشت أررفانكا he up the bede bekinard manifoyar opeko moti kmaninde opeka ya i found him to be the ocean of truths and guidance and i saw him sparkle like a pearl अंत सब को सई दुष् नीपरिया सई यदी सारे के माम तू सिपा सा है तेरा ही ऊंचा है मकाम यार

Then, O Son of Guidance, the Holy Prophet, you rose on the horizon for their benefit, so that you may illuminate them with the divine light emanating. from your glowing face. من ذكر وجهك يا حديقة بهجتي لم أخلو في لحظ ولا في آني أي مري باغي مسرت Oh, my garden of spiritual delights, I am ever so absorbed in your fond thoughts and from the remembrance of your blessed face. I am not free, even for a moment. वरमत लबरकत सामिन एक राम प्रोग्राम रेडियो अहमदिया में अतौल को दोस्ता आपको एक मरतबा फिर खुश आमदेद कहता है प्रोग्राम रेडियो हमदिया आपकी खिदमत में हर इतवार की शाम 6 से 8 बजे के दरमियान एम थर्टीन फिफ्टी पे ट्रांटो और एम थर्ट एम सिक्सटीन टेन पे मॉन्ट्रियाल में बैक वक्त पेश किया जाता है अगर आप हमारा ये प्रोग्राम इन फ्रिक्वेंसीज के बजाय इंटरनेट पर सुनना चाहें तो उसके लिए हमारी वेबसाइट का पता है डब्ल्यू और इस वेबसाइट पर आपको हमारे गुजशा प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग्स भी मिल सकती हैं सामिने के प्रोग्राम में आज हमारे साथ जनाब हादी अली चौधरी साहब मौजूद हैं और प्रोग्राम के आगाज़ में आपने नबी अलैहि वसल्लम के हवाले से और माहिर रमज़ानमबारक इख्तिताम और ईद की मुनासबत से इब्तदाई कलमात पेश किए थे आ, यही सिलसिला प्रोग्राम का हमारा इस वक्त जारी है आ, आपको बताते चलें सामिने कराम के मॉन्ट्रियाल में आज अवतार का वक्त आठ बजकर बाईस मिनट आठ बजकर दो मिनट और मस्जिद बैतूल जो कि वॉन में वाक़ है इसके गिरदनवा में अवतार का वक्त आठ बजकर बाईस मिनट है प्रोग्राम में अगर आप शामिल होना चाहें हमारा फोन नंबर नोट फॉरमा लें फोर वन सिक्स सेवन फोर सेवन और अगर आप प्रोग्राम में बजरिया ई मेल शामिल होना चाहें तो उसके लिए हमारी आईडी है क्यू ए यानी क्वेश्चन आंसर एट वॉइस ऑफ इस्लाम डॉट यानी क्वेश्चन आंसर एट वॉइस ऑफ इस्लाम डॉट सी जी हाथी साहब हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मजमून है और आपके के सदक हजरत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी मसीह मऊद व महद महूद आसलात वसलाम ने जो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का इरफ़ान दिया आपके मुक़ाम बुलंद का इरफान दिया उस बना पर जो आपकी तहरीरात हैं वो आपके सामने पेश करता हूँ किस किस्म का आपने हमें वो इरफ़ान दिया है आपकी जात का और आपकी सिफात का और मकाम बुलंद का आप अपनी किताब इतमामुजा में बयान फरमाते हैं वो इंसान जिसने अपनी ज़ात से अपनी सिफात से अपने अफ़ाल से अपने अमाल से और अपने रूहानी और पाक कवा के पुरज़ोर दरिया से कमाल ताम का नमूना इल्मन व अमलन व सिद्कान व सबातान दिखलाया और इंसान कामिल कहलाया वो इंसान जो सबसे ज़्यादा कामिल और इन, और इंसान कामिल था और कामिल नबी था और कामिल बरकतों के साथ आया जिससे रूहानी बास और हशर की वजह से दुनिया की पहली क्यामत जाहिर हुई और एक आलम का आलम मरा हुआ उसके आने से जिंदा हो गया वो मुबारक नबी हज़रत ख़ातुलम्बिया इमाम ख़तमसलिन फ़खरन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ह वसम है ऐ प्यारे खुदा उस प्यारे नबी पर वो रहमत और दरुद भेज जो इब्ताय दुनिया से तूने किसी पर ना भेजा हो अगर ये अजीम शान नबी दुनिया में ना आता तो फिर जिस कदर छोटे छोटे, छोटे नबी दुनिया में आए जैसा कि यूनुस और ऐब और बिन मरियम और मलाकी और यही और अलैहिस्सलाम वगैरह वगैरह उनकी सच्चाई पर हमारे पास कोई भी दलील नहीं थी अगरचे सब मुकर्रब और वजी और ख़ुदा ताली के प्यारे थे ये उसी नबी का एहसान है कि ये लोग भी दुनिया में सच्चे कह समझेंगे अल्ला मोहम्मदिन वबारक वसलम व ही व साबही अजमैन व आखिरदाना अनिलहमदल रबीआलमिन फिर हज़रत मसीह महदलात वसलम अपने आका हज़रत महम्मद मुस्तफ़ा सल्ला वसलम के औसाफ बयान करते हुए तहरीर माते हैं हम जब इंसाफ़ की नज़र से देखते हैं तो तमाम सिलसिला नबूत तमाम सिलसिला नबूत में से अला दर्जे का जवा मर्द नबी और ज़िंदा नबी और ख़ुदा का अला दर्जे का प्यारा नबी सिर्फ़ एक मर्द को जानते हैं यानी वही नबियों का सरदार रसूलों का फ़खर तमाम मसलों का सरताज जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा और अहमद मुशतबा अलैहि वसल्लम है जिसके जेर साया दस दिन चलने से वो रोशनी मिलती है जो पहले इससे हज़ार बरस तक नहीं मिल सकती थी यह बहुत ही शान रूहानी तजली है रसोल वसम की कि साफ दिल के साथ उस अकीदत के साथ जो एक खुदा तला के पाक बरगजीदा नबी से होनी चाहिए अगर दस दिन जिसके जेर साया दस दिन चलने से वो रोशनी मिलती है जो पहले इससे हज़ार बरस तक नहीं मिल सकती थी फरमाया सो आखिरी वसीयत यही है कि हर एक रोशनी हमने रसूल रसूल नबी उम्मी की पैरवी से पाई है और जो शख्स पैरवी करेगा वो भी पाएगा और उसी कबूल और ऐसी कबूलियत उसको मिलेगी कि कोई बात उसके आगे अनहोनी नहीं रहेगी जिंदा खुदा जो लोगों से पोशीदा है उसका खुदा होगा और झूठे खुदा सब उसके पैरों के नीचे कुचले और रौदे जाएंगे वो हर एक जगह मुबारक होगा और इलाही कुतें उसके साथ होंगी वसलामोल अनताबा खुदा सराज मुनिर फिर आप तहरीर फरमाते हैं अब आसमान के नीचे फ़कत एक ही नबी और एक ही किताब है यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला वसलम जो आला अफजल सब नबियों से और अतम, अतम और अकमल सब रसूलों से और खातमो लंबिया और खैर नास हैं जिनकी पैरवी से खुदा ताला मिलता है और जुलमाती पर्दे उठते हैं और इसी जहान में सच्ची निजात के आसार नुमाया होते हैं फरमाया यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसलम जो आला व अफजल सब नबियों से और आतम और अकमल सब रसूलों से और खातम लम्बिया और खैर हैं जिनकी पैरवी से खुदा ताला मिलता है और जुलानी पर माती पर्दे उठते हैं और इसी जहान में सच्ची निजात के आसार नुमाया होते हैं और कुरान शरीफ जो सच्ची और कामल हदायतों और तसीरों पर मुश्तम है जिसके ज़रिए से हकानीम और मारफ़ हासिल होते हैं और बशरी आलूदियों से दिलपा होता है और इंसान जहल और गफलत और शबहत के हिजाबों से निजात पाकर हक्ल यकीन के मुकाम तक पहुंच जाता है ब्राहिन अहमदिया <coughs> फिर हजूर फरमाते हैं दुनिया में करोड़ा ऐसे पाक फ़ितरत गुजरे हैं और आगे भी होंगे लेकिन हमने सबसे बेहतर और सबसे आला और सबसे खूबतर उस मर्द खुदा को पाया है जिसका नाम है मोहम्मद सल्ह वसलम इला नबी याजीना सलम तमा उनके बुजुर्गों का जिक्र तो जाने दो जिनका हाल कुरान शरीफ में तफसील से बयान नहीं किया गया सिर्फ हम उन नबियों की नस्बत अपनी राय जाहिर करते हैं जिनका जिक्र कुरान शरीफ में है ये जो आयत पढ़ी है इसका माना है कि यकीन अल्लाह और उसके तरिश्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर द्रूद भेजते हैं तो एम ममनो तुम भी अलैहि सलाम पर दरुद भेजो और तस्लीमात भेजो अल्लाहमदिन व बारिक वमीद मजीद तो फमाया उन कौमों के बुजुर्गों का जिक्र तो जाने दो जिनका हाल कुरान शरीफ में तफसील से बयान नहीं किया गया सिर्फ़ हम उन नबियों के नस्बत अपनी राय जाहिर करते हैं जिनका जिक्र कुरान शरीफ़ में है जैसे हज़रत मूसा हज़रत दाऊद हज़रत ईसा और दूसरे अम्बिया सो so, हम खुदा की कसम खाकर कहते हैं कि अगर आजरत सल्लाम दुनिया में ना आते और कुरान शरीफ नाजल ना होता और वो बरक़ात हम बच में खुद ना देखते जो हमने देख लिए तो इन तमाम गुजश्ता अम्बिया का सिद्ध हम पर मुश्तबे रह जाता क्योंकि सिर्फ किस्सों से कोई हकीकत हासिल नहीं हो सकती और मुमकिन है कि वो किस्से सही ना हों और मुमकिन है कि वह तमाम मोजाद जो उनकी तरफ मंसूब किए गए हैं वो सब मुबालगात हों क्योंकि अब उनका नामो निशान नहीं बल्कि उन गुज्त किताबों से तो खुदा का पता भी नहीं लगता और यकीन नहीं समझ सकते कि खुदा भी इंसान से हम कलाम होता है लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहूर से ये सब किसी हकीकत के रंग में आ गए अब हम ना काल के तौर पर बल्कि हाल के तौर पर इस बात को ख़ूब समझते हैं कि इलाहिया क्या चीज़ होता है और ख़ुदा के निशान किस तरह ज़ाहिर होते हैं और किस तरह दुआएं कबूल हो जाती हैं और ये सब कुछ हमने आ सल्लल्लाहु अलैहि वसम की पैरवी से पाया और जो कुछ किस्सों के तौर पर गैर कौमें बयान करती हैं वो सब कुछ हमने देख लिया बस हमने एक ऐसे नबी का दामन पकड़ा है जो खुदा नुमा है किसी ने यह शेर बहुत ही अच्छा कहा है मोहम्मद अरबी बादशाह हर दो सरा करे है रूह कुदस जिसके दर की दरबानी उसे खुदा तो नहीं कह सकूं पे कहता हूं कि उसकी मरतबा दानी में है खुदा दानी हम किस जुबान से खुदा का शुक्र करें जिसने ऐसे नबी की पैरवी हमें नसीब की जो सईदों की अरवाह के लिए आफताब है जैसे अजसाम के लिए सूरज हम किस जुबान से खुदा का शुक्र करें जिसने ऐसे नबी की पैरवी हमें नसीब की जो सईदों की अरवाह के लिए आफ्ताब है जैसे अजसाम के लिए सूरज वो अंधेरे वक्त ज़ाहर हुआ और दुनिया को अपनी रोशनी से रोशन कर दिया वो न थका ना मांदा हुआ जब तक के अरब के तमाम हिस्से को शिरक से पाक न कर दिया वो अपनी सच्चाई की आप दलील है क्योंकि उसका नूर हर एक जमाने में मौजूद है और उसकी सच्ची पैरवी इंसान को यूं पाक करती है कि जैसा एक साफ और शफाफ़ दरिया का पानी मैले कपड़े को कौन सिद्ध के दिल से हमारे पास आया जिसने उस नूर का मुशाहदा ना किया और किसने सेहत नीयत से इस दरवाज़े को खटखटाया जो उसके लिए खोला ना गया लेकिन अफसोस कि अक्सर इंसानों की यही आदत है कि वो सिफली ज़िंदगी को पसंद कर लेते हैं और नहीं चाहते कि नूर उनके अंदर दाखिल हो जी बहुत बहुत शुक्रिया हादी साहब जजाकल्ला जजा आपने बहुत जबरदस्त किस्म के इकतबास हमारे सामीन के साथ शेयर किए सामिन कराम प्रोग्राम रेडियो अहमदिया आपकी खदमत में पेश किया जा रहा है जो कि हर इतवार की शाम छः से आठ बजे के दरमियान एम थर्टीन फिफ्टी पे ट्रांटो और एम सिक्सटी टेन पे मॉन्ट्रियाल में बैकवक पेश किया जाता है प्रोग्राम में आज हमारे साथ जनाब हादी अली चौधरी साहब मौजूद हैं सवाल है जो आपका सिलसिला जारी है प्रोग्राम के आगाज़ में आपने नबी सैतनबील वसलम के हवाले से और माहिर रमजानबारक और ईद की मनासमत से अब पेश किए यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है अब से कुछ ही देर पहले हमने आपकी खिदमत में बानी जमात अहमदिया हज़रत मसीहदालाम का पाकिज़ा मंजूम कलाम जो कि अरबी जबान में था जो कि हजूर वसलम की शान में आपका एक मारक कसीदा है वो पेश किया साथ उसका तर्जुमा भी मौजूद था अब से कुछ ही लम्हा के बाद हम आपके खदमत में आ, आ, हज़रत मसी मऊदत वसलम का पाकिजा मंजूम कलाम जो कि फारसी जबान में है वह पेश करेंगे और क्योंकि उसका तर्जा साथ, -साथ मुमकिन नहीं होगा तो उस नजम के अखता पे उसका तर्जुमा जनाब हादी अली चौधरी साहब पेश करेंगे समात फरमाइए मुहम्द मुखमर मुखरम् मुखर मुखर गर् कुफ़्री बवद बखुदा کافرم کافرم काफ़र काफ خدا बाद खुदा محمد مخمرم 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 مودم و به ما سور آمدم वेहुल् य मासूर्मुदम् हैफकर् बीदरे नबीनद मञ्जरम् 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 बादल खुदा बैश के मुहम्मद मुखम्मरम 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 रंगम दम मस्त अभिमु फ रंग चुगंधम अभमो फे बईअ नस्तसा के आम दस्त दरबारे सवरम रम् सर्वरम् सर्वरम् बाद हुदा वैष्के मुहम्मद् मुहम्मरम् मुहम्मरं मुहम्मरम् मुहम्मरम् रै केसु मन बेदवीदी बेसद तब रेसु मन बेदवीदी बेसदु तब अजबागान बेतर्स के मन शाखे मुस्मेरम 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 मुस्मिर बादल खुदा के मुहम्मद मुखम्मरम मुखम्मरम मुहम्मरम मुहम्मरम

का को नावाए को नंद दावाए हुब्बे पयंबरम 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 बादल खुदा बैश के मुहम्मद मुखम्मरम

بے جان بے تکفیر کس کو جاست من مست جام ہائے من مست جام ہائے ان آیا تے دل برم دل برم دل برم دل برم بعد خدا بعش کے محمد مخمرم 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 ہر لحظہ میں خوریم زجا میں विशाल दोस्त हर खुरीम खुर विशाल दोस्त हर दम मनीस यार अला रग में मुनके रंग Mun -ke, mun, -ke mun ke ram badal khuda Baishke Muhammad -muham muhammad muhammadam muhammadam -muham muhammadam -muham

من هر زمان زنا من هر زمان يا جادش مؤترم 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 بادل خدا محمد مخمرم

गुरू है आजीज़ा मरानदीद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाही व बरकतोहू सामीने क़राम प्रोग्राम रेडियो अहमदिया पे आताओल कुदूसताहर आपको एक मर्तबा फिर खुशामदेत कहता है। अभी हम आ, आपकी ख़िदमत में पाकिज़ा मंजूम कलाम पेश कर रहे थे जो कि फारसी ज़बान में था हज़रत मसीमदलात वसलाम का और आवाज़ मिसबा बलोच साहब की थी आ, अब हनाब हादी आली चौधरी साहब से गुजारिश करेंगे कि वो हमारे सामिन की खिदत में इसका एक सली इसतर जमा पेश कर रहे हैं हज़रत मसीमदलातलम का जो कलाम है चाहे वह अरबी में है या उर्दू में है या फारसी मेंजीम शान कलाम है लोग दूसरे शायरों को तो अपना रहनुमा मानते हैं लेकिन जो असल रहनम और इमाम अल्लाह ताला ने भेजा उसके कलाम की जो तसीर है और उसका जो मफहम है वो कहीं भी नहीं मिल सकता किसी कलाम में नहीं है हजरत मुसी महदालाम ने जिस तरह बुलंद और आला शान रसूल सल वसलम की बयान फरमाई हैरतज़ और फिर अपना इश्क और जिस तरह आपने पैरवी की है डूब के हज़र सल की तारात में आपके उफ़ में हैरत अंगेज़ है बल्कि आयना कमालत इस्लाम में आपने एक दफ़ा फरमाया कि वमिन आयात सिद्की इन्ना वफा का नी बे इतबा रसूल ही वबी ही कि ये मेरी सच्चाई की दलील है मेरे सच्चाई के निशानों में से एक निशान है कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने नबी की पैरवी अपने रसूल की इक्तदा की तौफीक ता फरमाई व मामिन आसारिन नबी अला कफोत हो व माम जबालश्कलात अलौत हो कि आज रल्म की जो सुन्नत थी उसकी पैरवी में मैंने हर सुन्नत की पैरवी की है और खा उसके लिए मुझे मुश्किल के पहाड़ों पर चढ़ना पड़ा मैं उस पर भी चढ़ा हूँ हतमी अल्लाह ने फिर मुझे उन लोगों में बनाया जिन पर उसका इनाम हुआ और वो इनाम वही हैं दर्जे सालहियत शहदा सदीकीत और नबूअत तो उन वो दर्जे अता किया आपको उस रसूल सल वसम की पैरवी के ज़रिया जसराबी एक हजर ने फरमाया था कि आपके दस दिन आपकी पैरवी करने से वो रोशनी मिलती है जो पहले हज़ारों बरस में नहीं मिलती थी तो ये हजर सलातम ने ख़ुद पैरवी करके अपने तजुबा के जरिए किया है अब ये जो नात पड़ी गई है ये सारी तो मैं उस तरह नहीं बयान कर सकता क्योंकि मुझे शेर सारे याद नहीं है चांद हैं फरमाया कि बादश खुदा ब इश्क मोहम्मद मुखमरम के खुदा के बाद रसूल सल्लाम के इश्क में मैं मखमूर हूँ एक नशा है उस इश्क का जिसमें मैं और बाहर उससे आ नहीं सकता और अगर ये कुफर है गर कुफरी बवद बखुदा सख्त काफरम लगाओ फतवा मुझ पर कुफर का उर्दू उर्दू, उर्दू शायरी में आपने इस मज़मून को इस तरह भी बयान फरमाया है कि इस कदर इरफान बड़ा मेरा के काफिर हो गया ये नहीं कि कोई कुफर किया है गलती की है बल्कि इरफान इतना बड़ा कि तुम्हारी कोताह नजर जो है वो उधर तक पहुंचती नहीं और ये हजरत मुजदलानी राम ने बड़ा वाज लिखा हुआ है कि उसके जो कलाम के जो दिकायक होंगे और उनके जो मतालब की गहराई होगी यानी बुलंदी भी है और गहराई भी है उस तक जमाने के ज़ाहरी ओलमा पहुंच नहीं सकेंगे तो कुफर का फतवा लगाएंगे ये मकतबाते माम्रबानी में मौजूद है तो ये जो हजरत हज़र मसीमिल का इरफान था वो ये था कि इस कदर इरफान बड़ा मेरा कि काफिर हो गया आँख में उसकी के जो है दूर तर दूर तर अजसे नजार जो खुदा तला के कुर्ब से दूर है उसके घर से दूर है उसकी आँख में मैं फिर काफर हो गया तो वजह क्या है इरफान इतना है इतनी बुलंदी है और यहाँ चूंकि अब बात खुल रही है तो मैं एक और हवाला भी दे देता हूँ हज़रत इमाम इबन अरबी रमत की किताब है फसूसम उसकी शरह लिखी है इमाम अब्दुलरजाक का शानी रहमत उसकी शरह में वो ये लिखते हैं कि अलमहदीलाजी यजिओ फी आखिर ज़माने वो महदी जो आखिरी जमाने में आएगा फाइना हूँ फी अकाम शरियत ताबे मोहम्मद अकाम शरीयत में मोहम्मद सल्लम का तबे है व वा फिलूम वालफिलूम वालमारफ वाल, वाल हकीकत के लूम और मारफ और हकीकत जो सच्चाइया है यकून जमीबियाए वाललिया ताब इन कुल्लू सब अम्बिया और औलिया उसके ताबे होंगे यानी रसूल करीम के फैस से वो इस मुकाम पर पहुंचेगा इतब के तहत होकर अम्बिया से बुलंद होगा तो आगे फिर वो के जाके कहते हैं कि ये जो हमने कहा ये कोई गैर मामूली चीज नहीं लेना बातन बातन मोहम्मद वजह यह उसका बातन मोहम्मद का बातन लगाओ को फरका फतवा तो यहाँ जोर फर्माते हैं कि बादरस खुदा के मोहम्मद मुखमरम मैं रसूल सल्हसम के इश में इस तरह मखमूर हूँ कि उससे निकल नहीं सकता इस वजह से मुझे अगर काफर कहना कहो मैं सख्त काफर हूँ इस लिहाज से और बादश खुदा बश के मोहम्मद मुकमरम का एक माना यह भी है कि मेरे मेरी ज़ात का खमीर मेरे इस मुकाम का खमीर जो है वो अल्लाह के इश्क और रसूल वसम के इश्क से उठाया गया तो इस जात को कौन जेर कर सकता है इसको कौन मफतू कर सकता है यह तो अल्लाह तला ने जिस काम के लिए पैदा किया वह रसूल सल्लम और अल्लाह तला की ज़ात को दुनिया में नाफज करने के लिए है तो ये बड़ा ज़िम्मोशान कलाम है जिसकी गहराई तक किसी शायर की उधर कुना भी नहीं पहुंचती ये अपने कौमी शायर बनाए फिरते हैं मुख्तलि मुल्कों के लोग तो उनकी क्या है कुछ भी नहीं तो ये है जो इंसान को लेकर चलता है कि इश्क खुदा और इश्क मोहम्मद में इस तरह हो जाओ कि गोया तुम्हारा खमीर उस तरह उठाया गया ये आजम ने अपनी जात की मसाल देकर हमें उस तरफ चलाया है तो उर्दू में जिस तरह आपने फरमाया है कि वो क्या है ज़ात से हक की वजूद अपना मलाया हमने जब से ये नूर मिला नूर पैम्बर से हमें ज़ात से हक़ के वजूद अपना मिलाया हमने तो ये रसूल सलम के नूर से इंसान खुदा ताली को हासिल करता है और मखबूर होता है गोया उसका खमीर फिर खुदा ताली की ज़ात और इश्क रसूल से उठाया जी फिर आपने ए, अगले शेर में कहा है उसके शेर के अल्फाज तो मुझे याद नहीं लेकिन वो ये था कि मैं आलम की पेशगोईियों के मुताबिक मैं गंदमी रंग का वो शख्स हूँ जिसकी हदीसों में खबर है आने वाले मसीह और मददी की खबर आलम ने राज लिखा था आद, कहते हैं ये ब्राउन स्किन है जी गंदमी रंग तो मैं वो हूं तो मेरी जो खबर है मैं ऐसे नहीं आया मेरी खबर सरवर हम रसूल सल्म ने सरवर कायनात ने दी है आगे फरमाते हैं कि ए आन मन बदवीदी बसात तबर ए वो जो सौ हजारों बसाध यानी हजारों तबर लेकर तलवारें लेकर या खंजर लेकर तबर एक आला है मारने वाला वो लेकर मेरी तरह लपकता है अजबागबान बत शाख बागबान से डर क्योंकि मैं फल वाली शाख हूँ जिस तरह एक माली जो है या बाग का मालिक जो है वो उस दरख्त की एक शाख को भी काट नहीं देता जो फल लाने वाली होती है तो खुदा तला किस तरह छोड़ सकता है उस शख्स को जो इस जात पर हमला करे जो रसूल सल्म के मकासद को जमाने में दुनिया के किनारों तक पहुंचाने के लिए आया तो अजबाग शाख है मुस्मनम और इसकी वजह यह थी कि अल्लाह ताला ने हजर मसिम को ये लामन बताया था कि इनकी मुहिन उनमान इरादा है तक जो तेरी हानत का इरादा भी करेगा मैं उसको जलील ख्वार कर दूंगा और आज हम नजारे देखते हैं चारों तरफ देखते हैं जिसने भी ऐसी बात की है अल्लाह त उसको जलीलुख्वार किया है और हज़र मसीमतम की शान दुनिया के किनारों तक पहुँच रही है इस वजह से कि आप रसूल सल का इश्क़ पैदा करते हैं लोगों में और हज़ारों लाखों लोग है जो हैं जो ईसाईत से अहमदियत में दाखिल हुए हैं यानी अहमदियत के ज़रिए इस्लाम में दाखिल हुए हैं और अल्लाह ताली की तोहद की अज़ानें देते हैं तकबीरें कहते हैं नमाज़ें पढ़ते हैं और रसोल वल्लम पर दरुद भेजते हैं तो ये शाख मुसमरम है इसको अल्लाह ताला नहीं काटने दे सकता फिर एक और शेर शेर में मुसलमानों से हमदर्दी का इजहार किया है और खुदा तला से अल्तजा की है कि ए दिल तो नीज़ खातर ईना ना कि इनकी तरफ से तुझे हजम पर कितने फतवे लगाए गए कितनी तकलीफें दी गई मुकदमे घड़े गए आपको सफर करके जाना पड़ता था और क्या कुछ मसायब थे तो फरमाया कि इनसे सरफ नजर कर इन पर किसी किस्म का वो गम ना कर कि आखिर कुन दावा हब्ब पैगम्बरम मेरी मोहब्बत और मेरे उस खमीर का तकाजा है रसूल करीम वसल्लम से मोहब्बत का कि मैं इनको माफ़ करूं क्योंकि ये ये भी उसी की मोहब्बत का दाम भरते हैं गो इनको इलम नहीं भूले हुए हैं मगर ये जो वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं इसलिए तो इनको माफ़ कर या दरगुजर कर तो ये जो खमीर वाली बात थी शुरू से सारी नज़म उसी में डूबी हुई है हजर मसीमिलम ने बड़ी वजाहत से ये बयान फरमाया है कि वो वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा नाम उसका है मोहम्मद दिलबर मेरा ये ये वो रहनुमाई है खमीर है और आप उसी इश्क में मखमूर है फिर फरमाया उस नूर पर फिदा हूँ उसका ही मैं हुआ उस पर फिदा हूँ और उसी का ही हूँ मैं <प्राग> वो है मैं चीज़ क्यों अपने आप को कल आदम कर दिया है और जब भी रसुल करीम वसल्लम का जिक्र आता है आप देखें कि अज़र मिस अपनी ज़ात को बिल्कुल बिछा देते हैं ये है वो जो अज़र मसिमिलासलम का इरफान है और फरमाया वह दिल बरे यगाना इल्मों का है ख़ज़ाना बाक़ी है सब फ़साना सच बेखा यही है वही है सारे इल्मों का ख़जाना वही है महबूब असल महबूब वही है और बाकी तो झूठ बातें हैं और हैं सब हमने उससे पाया शाहिद है तो खुदाया वो जिसने हक दिखाया वो का खाइ तो ये खमीर है जो हजरत की ज़ात में जाहिर हुआ है और इसी वजह से आप पर कुफर के फतवे लगाए जिसके बारे में फरमाया गर गुफरी बवद ब खुदा सख्त काफर जी बहुत बहुत शुक्रिया हाथी साहब इक्राम आप प्रोग्राम रेडियो अहमदिया समात फरमा रहे हैं आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम हर इतवार की शाम छह से आठ बजे के दरमियान एम थर्टीन फिफ्टी पे टोरंटो और टेन पे मॉन्ट्रियाल में पेश किया जाता है प्रोग्राम में आज हमारे साथ जनाब हादी अली चौधरी हैं सवाल जवाब का सिलसिला जारी है आप भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं फोर वन सिक्स सेवन जीरो थ्री सेवन फाइव सिक्स वन ई मेल प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारी आई डी है क्यू एन आंसर एट वॉइस ऑफ इस्लाम डॉट सी ए है, at .ca. कराम, आ, के आगाज में जनाब हादी अली चौधरी साहब ने सरतन वसलम के हवाले से और माहिर रमजानबारक और ईद की मुनासबत से प्रोग्राम का आगाज किया था और उसके बाद फिर मामला चलते गए आगे तक और इस वक्त हम जनाब हादी अली साहब से गुजारिश करेंगे कि वो हज़रत मसी सलाम की पाकिजा तहरी में से या उनके मंजूम कलाम में से हमारे सामिन की खिदमत में कुछ और पेश करें ये दो तहरीरात हैं जो मैं पेश करता हूँ हजरत मसीह मौदा असलात वसलाम के इश्क रसूल के बारे में अभी बात हो रही थी शेरों की तशरीह के सिलसिले में भी वैसे भी हजूर अपनी किताब वही में बयान फरमाते हैं मेरा ये जाती तजर्बा है ये कोई यानी वो कोई फलसफा नहीं है या कोई मंतक नहीं है कोई ज़ाहरी दलील नहीं है बल्कि जाती तजर्बा है वो आपने सारा उस तजुर्बे से निकल के ये बात फरमा रहे हैं फरमाया मेरा ये जाती तजर्बा है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चे दिल से पैरवी करना और आपसे मोहब्बत रखना अंजाम कार इंसान को खुदा का प्यारा बना देता है इस तरह पर कि खुद उसके दिल में मोहब्बत अला की एक सोजिश पैदा कर देता है तब ऐसा शख्स हर एक चीज़ से दिल बर्दाश्त होकर खुदा की तरफ झुक जाता है और उसका उनस और शौक उंस यानी मोहब्बत और शौक सिर्फ़ खुदा तला से बाकी रह जाता है तब मोहब्बत लाही की एक खास जल्दी उस पर पड़ती है और उसको एक पूरा रंग इश्क और मोहब्बत का देकर कवि जज्बे के साथ अपनी तरफ खींच लेती है तब जज्बात नफसानिया पर वो गालब आ जाता है और उसकी तायद और नुसरत में हर एक पहलू से खुदा तला के ख़ार काफ़ाल निशानों के रंग में ज़ाहिर होते हैं तो ये वो ही है बदस के मोहम्मद मुखमरम ये इश्क का रंग हज़र सल्लम की पैरवी से यानि खुदा तला से इश्क का रंग चढ़ जाता है इंसान पर फिर फरमाते हैं कि द्रोज शरीफ के तुफ़ैल मैं देखता हूँ कि फजूज अजीब नूरी शक्ल में आज़रतम की तरफ जाते हैं और फिर वहाँ जाकर आज़रत सल्लाम के सीने में जज्ब हो जाते हैं और वहाँ से निकल कर उनकी ला इतहा नारियाँ होती हैं और बकदर हिस्सा रसदी हर हकदार को पहुँचती है यकीन कोई फैज़ बदू वसात आज़रत सल्ला दूसरों तक पहुँच नहीं सकता यकीन कोई फैज़ बदू वसात आजरत सल्ला दूसरों तक पहुँच ही नहीं सकता द्रोद शरीफ क्या है रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के उस अर्श को हरकत देना है जिससे यह नूर की नालियां निकलती हैं जो अल्लाह ताला का फैज़ और फजल हासिल करना चाहता है उसको लाजम है कि वो कसरत से दरुद शरीफ पढ़े ताकि उस फैज़ में हरकत पैदा हो फिर यह भी जाती तजुर्बे और अपनी ज़ात के उस पहलू की तरफ आपने उसका जिक्र फरमाया है ब्राहिने दिया की यह तहरीर है फरमाते हैं एक रात इस आजज ने इस कसरत से दरुशरीफ़ पढ़ा कि जान उससे मुत्तर हो गया उसी रात ख़्वाब में देखा कि आब जलाल की शक्ल पर नूर की मशकें इस आजज के मकान में ले आते हैं और एक ने उनमें से कहा कि ये वही बरकत हैं जो तूने मोहम्मद सल्ला वम की तरफ भेजी थी सल् वसलम तो ये वो दरुज शरीफ का हकीकी और अमली तजर्बा है जो हज़रत नसीम उद्लम को इश्क रसूल की वजह से नसीब हुआ ये जो अभी मंजूम कलाम हमने सुना बड़ा ख़ूबसूरत कलाम है और पढ़ा भी बड़ा ख़ूबसूरत गया है तो हज़त मसी मौद्लासम तो का एक जो एजाज़ी कसीदा है वो भी इसी तरह ही लज्जत से भरा हुआ है तो उसके चंद शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ आप फरमाते हैं कि लाशक्का मुहमद अ ख़ैरवरा रिकुल कराम व आयानी बेशक मोहम्मद वसल्लम खैरुल खैरवरा यानी इस दुनिया में सबसे बेहतर हैं और मुअज्जज़ीन में से बरगुज़िदा हैं जो मुअज्जज़ लोग भी हैं उनमें से भी आला तरीन और खुदा चुनीदा हैं और सरदारों में से भी मुंतखब वजूद हैं तो ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है कि हर कौम में हमने उनका एक निगरान भेजा है वह जेना बेकला हावला शहीदा और उन सब निगरानों पर भी आपको निगरान बनाया गया है तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम की ज़ात का इरफान है जो हजरत हजर मसिस्म को अता हुआ और इस एजाजी कसीदे में आपने बयान फरमाया फरमाया फाक़ल व रा बे कमाल ही व जमाले ही व जलालेही व जनानही रैयानी वो इस सारी खलकत से अपने कमाल और अपने जमाल और अपने जलाल और अपने शाद अब अपने शादाब दिल के साथ फोकियत ले गए यानी आपका दिल भी वो था जो अर आलमीन था माँ मारा अल्लाह रा फरमाता है कि ये वो आ, 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 अजीम शान दिल है जिसने कभी भी ना झूठ कोई समझा ना उसने कोई झूठ देखा यानी सच्चा खरा और पाक साफ दिल था जो रसूल सल्लास का था फिर फरमाया तमत अलह सिफ़ात कुल् मज़ियातन खुतमत बेही नामा कल जमानी कि हर किस्म की फजीलत की सिफात आप पर कमाल को पहुँच गई और हर जमाने की नमतें आप पर ख़त्म हो गई तमत अलह सिफ़ात कुल् मज़ियातन ऐसा षान वजूद है कि हर किस्म की सिफात भ... और जो नेमते हैं हर जमाने की नेमते वो आप पर कमाल को पहुँची है व्ल इन्ना मोहम्मद व बेहुल व बसद्दत सुल्तानी ब खुदा बेशक मोहम्मद अलैहि वसल्लम ख़ुदा के नायब के तौर पर है और आप ही के ज़रिया दरबार शाही में रसाई होती है क्या खूबसूरत शेर है कि अलैहि वसल्लम ख़ुदा के नायब के तौर पर और आप ही के जरिए दरबार शाही में रसाई होती है इस मजमून को समझें तो हैरत अंगेज़ मजमून वाज होते हैं मताले सामने आते हैं कि अगर खुदा तला तक पहुँचना है तो रसूल सल वसम के जरिए पहुँचना है वब तक वाहिल वसीला था कुरने करी में आता है कि अल्लाह ताली को पाने के लिए वसीला ढूँढो कोई राडो कोई जरिया ढूँढो तो ये वो जरिया है जो दरमियानी मखलूक और खुदा तला के दरमियान है एक नायब के तौर पर कि खुदा तला तक पहुंचना है तो मोहम्मद रसूल वसल्लम के जरिया और दूसरा पहलू यह है कि अगर खुदा से इस मखलूक को कुछ पहुंचना है तो वह भी रसूल वसल्लम के जरिया तो ये एक अजीम शान मजमून है जो हज़र मसीमत सलाम ने इस शेर में बंद कर दिया है इस शेर में पूरी तरह समो दिया है और कि अल्लाह ताला तक पर तक रसाई आप के ज़रिया ही हो सकती है हुआ फख्र व्ल मताहन व मुक़दसिन वबही जबाहिल असकर और रूहानी वह हर एक मतहर और मुक़दस का फ़खर है और रूहानी लश्कर आप पर ही नाज करता है तो हर जो नबी और जो जितने भी पाक वजूद पहले गुजरे या बाद में आएंगे वो रसूल सल्लाम की वजह से फखर हासिल करते हैं जो पहले गुजरे रसूल सल्लम की मोहर उन पर भी है आपने फरमाया ना खातमन ननबीन व आदमो नबायवी कि अभी हज़रत आदम की तख्लीक नहीं हुई थी उस वक़्त भी मैं ख़ातमनबीन था तो सब पर मोहर जो है वह रसूल सल्लाम की ही मोहर है और रूहानी लश्कर जो है वो आप पर नाज़ करता है वह खैर वकुल्ल मकर्र बिन मतदिन वल फज़लो बिल खैरात लाब जमानी आप हर एक मुक़र्रब और जो पहले गुजरा है उस से बेहतर है उससे बहुत बेहतर है और ये जो फ़जीलतें हैं ये बेहतर होने की वजह से होती हैं सबसे अच्छा होने की वजह से होती हैं जमाने के लिहाज से नहीं होती ये नहीं कि जो आखिर में आया तो वही सबसे बेहतर है बेहतर वो है जो फजीलतों अपने सिफ़ात और अपने आला मुकाम के लिहाज से बेहतर है तो हो जन्ना इन्नी अरास मारो हो वतूफ़ हो का दजुल लत जनानी ले जनानी वो एक ऐसा बाग है कि जिसके फल और जिसके खोशे जो हैं वो मेरे दिल के बहुत ही करीब कर दिए गए हैं ये अजर मसीम का इश्क है कि पहले भी अर्ज किया कि वो आप इश्क रसूल के खमीर से उठाए गए हैं इश्क लाही और इश्के रसूल के खमीर है उससे आप उठाए गए हैं और उसी इश्क में आप नशे में है मखमूर है तो फरमाते हैं कि वह जन्ना तो नीरा राश मारोह वो एक बाघ है जिसके फल मैंने देखे है और उसके खोशे मेरे दिल के करीब है वल्लानी कदर आया तो जमाल हूँ बेयूं जिसमी कायदन बे मकानी मैंने तो उस जात का ऐसा हुसन देखा है ऐसा जमाल देखा है ऐसी हालत में ऐसी कशवी हालत में कि मैं अपनी जगह पर बैठा हुआ था और अपनी इन ज़ाहरी आंखों से देखा है ये नहीं कि ख्वाब में देखा है बल्कि ऐसी कशवी हालत जो बहुत ही लतीफ़ कश्यप होता है कि इंसान इस दुनिया से गायब भी नहीं होता और दूसरे जहान में पहुंचा भी हुआ आता है और उसकी आंखें खुली होती हैं लेकिन मंजर वो उस जहान का देख रहा होता तो फरमाया या अपनी जगह पर बैठे हुए भी मैंने उनको देखा है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हुस्न और जमाल को देखा है एक, एक दूसरे शेर में भी इसी कसीदे में वराया तो फी आयान उमरी वजह हो सुमन नबी और फी यकजाती लाकानी कि मैंने अपनी उम्र के इब्तदाई हिस्से में ही रसूलुल्लाह वसल्लम का की रोयत कर ली थी आपको देख लिया था सुमन नबी और फिर उसके बाद मुझे बेन बेदारी की हालत में भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ है ये वो इश्को मोहब्बत के वो मकाम है जो हज़रत मसीह मऊदलात सलाम जैसे ही इंसान को ही मिलते हैं और उसमें मुक़ाम हासिल करने के लिए एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता है जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि आपने फरमाया कि मैंने आपकी सुन्नत के हर पहलू की पैरवी की है चाहे इसके लिए मुझे मुश्किल के पहाड़ भी सर करने पड़े फिर आगे अल्तजा करते हैं कि या सैदी का जे तो बाबा का लाहेफन बल कौम बिल्कार कद आज़ानी ऐ मेरे आका मैं तेरे दरवाज़े पर मजलूम और मुस्तर फरियादी की हालत में आया हूँ जबकि कौम ने मुझे काफ़र कहकर तकलीफ़ दी है ईज़ा दी है उन जो लिया बहमतिन व तहन या सैदी अन् आह करुल गलमानी तू मुझ पर रहमत और शफकत की नजर कर ए मेरे आका मैं हकीर तरीन ग़ुला हूँ मैं तेरा एक हकीरत तरीन ग़ुलाम हूँ या हिब्बे इन्ना का कद दखलता मोहब्बत फी मुहजती व मदारे की व जनानी ए मेरे आक्का तूने तू तु अजरा मोहब्बत मेरी जान मेरेवास और मेरे दिल में दाखिल होगा है ये वो मुक़ाम है ईश्को मोहब्बत का फ़िदाइत का जो हज़र मसी मौदा सलाम को अता हुआ कि आपके आपकी जान आपके हवास और आपके दिल में रसूल्ला सल्हसम ही गजीन थे और आप ही वहाँ उसमें मस्कून थे मिन ज़िक्र वजह का याहदी का तबाह जाती मखलोफ़ी लाजीन वलाफिया आनी तेरे ज़िक्र से मैं किसी है मेरे दिल के टुकड़े ऐ मेरी खुशी के बाघ हदीकात बह जाती ऐ मेरे दिल की खुशी के बाग तेरे चेहरे की याद से मैं एक लहजा और एक आन भी खाली नहीं रहता जिसमी य तिर मिन शौक नला या लता कानत कु मेरा जिसम तो शौके गालब से तेरी तरफ उड़ना चाहता है ए काश मुझ में उड़ने की ताकत होती बहुत बहुत शुक्रिया साहब आप प्रोग्राम रेडियो अहमदिया समाप्त फरमा रहे हैं रेडियो uh, अहमदिया आपकी खदमत में हर इतवार की शाम छः से आठ बजे के दरमियान ए एम थर्टीन फिफ्टी पे ट्रांटो और ए एम सिक्सटीन टेन पे मॉन्ट्रियाल में बक वक्त पेश किया जाता है अगर आप हमारा ये प्रोग्राम इन फ्रिक्वेंसीज के बजाय इंटरनेट पर सुनना चाहें तो उसके लिए हमारी वेबसाइट का पता है डब्ल्यू 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 डॉट वॉइस ऑफ इस्लाम डॉट सी ए और इस वेबसाइट पर आपको हमारे गुजशत प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग्स भी मिल सकती हैं साम्य कराम प्रोग्राम रेडियो अहमदिया का मकसद एक खुशगवार माहौल में आपके सामने अहमदीत यानी हकीकी इस्लाम की तलीमत कुरान करीम और नबी करीम आखिरज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि वसल्लम की अहदी से मुबारका की रोशनी में पेश करना है इसी हवाले से हमारे साथ जमत अहमदिया के कोई नुमाइंदा मौजूद होते हैं आज हमारे साथ जनाब हादी अली चौधरी साहब मौजूद हैं प्रोग्राम के आगाज़ में आपने सीरतुलबी सलील वसलम के हवाले से माह रमज़ानमारक और ईद की मुनासमत के हवाले से हमारे सामने इब्तई कलिमात रखे थे और हमें ये बताया था कि ईद का हकीकी मफहूम इस्लाम की नज़र में दरअसल है क्या यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू इसी हवाले से हम आपसे सवाल ले रहे हैं फोर वन सिक्स सेवन जीरो थ्री सेवन फाइव सिक्स वन फोर वन सिक्स सेवन जीरो थ्री सेवन फाइव सिक्स वन टोरटो और अगर आप प्रोग्राम में बजरिया ई मेल शामिल होना चाहें तो उसके लिए हमारी आई डी है और बैतुल जोन में वाकई है यहाँ पे आठ बजकर बाईस मिनट अवतार का वक्त है आ, हम सामिने कराम आपको बताते चलें जिस तरह के आज आखिरी रोजा है और तमाम सामीन हम आपकी खदमत में रेडियो अहमदिया और इसमें जो वॉल जितने भी हमारे साथ यहाँ काम करते हैं उन सब की तरफ से आप सबको एक ईद मुबारक का तोहफा पेश करते हैं जी साहब इस वक्त कोई कॉलर हमारे साथ मौजूद नहीं है अगर एक कॉलर मौजूद है जी गिबा एक कॉलर मौजूद है उनका सवाल पहले ले लेते ले हैं जी जी अमीन साहब हमारे साथ हैं अमीन साहब सलाइकम जी सर प्लीज अच्छा अभी वक्त कहते हैं कि मैंने सुन्नत की एक एक पैरवी की तो सुन्नत की पैरवी करने से कहा लिखा है कि नबूवत मिलती है अगर ऐसा होता तो साहबा कर सबसे ज्यादा हकदार थे और ये लिखा गया कि सुन्नत की एक एक सुन्नत की पैरवी की तो साहब ने ना आज किया ना वो ना वो चार शादियाँ की उन्होंने तो चीज़ का भी तो प्यार नहीं पैरवी की ठीक है जनाब बहुत बहुत शुक्रिया वो कसीदा उन्होंने सुना तो है लेकिन उसमें से ये सवाल उन्होंने निकाला है कि सुन्नत की पैरवी तो वो सारी करने में कामयाब नहीं जी अमीन साहब ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुक्रिया जाकल ये जो सुन्नत की पैरवी होती है ये हालात के मुताबिक और जमाने के मुताबिक होती है जो सुन्नत तालीम और अतात की हैजरत नसी मौदा सलात ने कामिल तौर पर उस पर अमल किया है शादियाँ जो हैं, ये एक आ, सुन्नत इस तरह नहीं है कि हर आदमी नौ शादियां करे तेरह शादियां करे ठीक है वो इसनाई सूरत थी चार शादियों का एक इसनाई हुक्म है तो ये सुन्नत नहीं है इस लिहाज से हाँ हजरत ने की आपकी जत एक इस्तनाई है रखती थी मगर जो ज़माने के हिसाब से और आलाके के हिसाब से जो चीज़ें मुयसर और जो हो सकता था वो पूरा किया है उसमें से एक भी नहीं छोड़ा तो ये मनफी तरज के जो सोचें होती हैं कि ये भी नहीं किया वो बात नहीं है आप कहते हैं कि सुनत की पैरवी नहीं की और सहाबा साहब से बेहतर होते लेकिन कुरान करीम क्या कहता है सहाबा ने तो जान तक पेश की है सब कुछ किया है अब ये तो नहीं कि हर शख्स ही जान पेश करे वो चंद साहबा ने वो किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी अपनी जान लेकर उसमें जाते थे हज़रत मसीमलात असला तो भी जान लेकर फिरते रहे और मुकदमात भी हुए कत्ल के इरादे भी हुए सब कुछ हुआ लेकिन आ हज़र सल्लाम की तरह हज़रत मसीम को भी अल्लाह ताली नेमन बताया था वल्ला या से मौका मेन नाज अल्लाह ताली लोगों से तेरी हिफाजत फरमाएगा यानी कोई तुझे कतल नहीं कर सकेगा तो ये उस सुन्नत की पैरवी है ऐसी कामल पैरवी के जिसमें इमाम काशानी कहते हैं बातें बातें बातिन मोहम्मद के उसका बातिन मोहम्मद का बातन होगा तो ये एक ऐसा वजूद आना था जो कामिल तौर पर रसूल सल्लाम का अक्स कामल होना था ये हजरत शाह वली मुहद्दस देवी रहमत ने अपनी किताब अलखरलकीर में लिखा है के हक्ाना के साफ ही है अनवरों से मुरसलीन। के ये उसका हक है कि उसमें रसूल जाहिर हो लियान्ना आगे फरमाया कि वाह व नुस्खातन मुंतन मिन हो वाह नुस्खातन मुंत खात मिन हो वो आजम की ट्रू कापी होगा एक अक्स होगा अक्स कामिल होगा तो ये हज़रत नसीम ने पैरवी की तरह इस तरह पैरवी की आपकी तालीमत की आपकी सुन्नत की कि जो मुयसर था जितना हो सकता था उसके लिए आपने आगे फिक्र में लिखा है कि चाहे मुझे मुश्किल के पहाड़ सार करने पड़े तो इसमें बात चीज़ें ऐसी हैं जो नामुमकिन थी वो इंसान की दस्तरस से बाहर होती हैं और बात जो थी इख्तियारी थी और लाजमी नहीं थी वम के उसमें इसतसना थी तो वो उस तरह सुनत में नहीं है मगर जो कुरान करीम कहता है वो ये कहता है माई ज्योति अल्लाह व रसूला अल्लाह और रसूल की जो कमल करने वाले हैं अल्लाह ताला उनको ये दर्जा देते हैं वो दर्जात हैं सालहियत शहादत उलाय का माला जीना अनु मन नबीजी व सिद्दीकी व शहदा व सालहीन सालहीन शहदा सिद्दीक और नबीन ये दर्जे मिल सकते हैं अतात रसूल की वजह से अतात अल्लाह की अतात के साथ रसूल की अतात के साथ और ये हजम उसने बताया है उस शेर में बादस खुदा ब बा के मोहम्मद मुखमरम कि मैं रसूल सल्लासम के इश्क में खुदा तला के इश्क के बाद मखमूर हूँ मेरा खमीर इश्क लाही और इश्क रसूल से उठाया गया है तो ये हज़रत नसीदा का मुकाम है और आपको वो मुकाम मिले हैं और रसूल सल्ला वसम ने नशानदही फरमाई थी मगर आपको वो गवारा नहीं है रसूल सल्सम ने फरमाया था कि अबू बकर उम्मत में तमाम सहाबा से तमाम खलाफा से हर एक से यानि रसूल सल्हस के बाद और आपके फैज़ की वजह वा� से अबू बकर सबसे अफजल है नबीन मगर एक नबी आएगा यानी मकामत मकामियत से ऊपर है और यह हजरत मसी मौदात को अता हुआ यह किसी को अता होना था और उसकी खबर रसूल करीमलम ने खुद दी है आपको ये गवारा नहीं आपको ये कबूल नहीं ये रसूल का पैगाम है मगर आपको ये कबूल नहीं आप एक जज्बाती सी बात करके कि साबा को होता सहाबा को मुकाम मिले हैं वह सुल भी थे वह शोहदा भी थे उनमें सदीक भी आए सदीक तो एक ही नजर आते हैं ना इसी तरह नबूवत भी इसी तरह ही है तो वो एक को मिलनी थी और उसकी निशानदा ने फरमाई है और हज़रत मसीम ने जिस हद तक ज़माने हालात और इलाके के हिसाब से मुमकिन था और वह मैसर था हर एक आसार नबी कफोत हर आसार की पैरवी की है इसलिए आपको ये मुकाब मिला है जी बहुत बहुत शुक्रिया एक हमारे साथ मौजूद हैं हैं और अमीन है। जी, अमीन जी आपने ये तो ताला ने हर उस हर उस शख्स को मतलब यही आता है कि हर वो जो कोई अल्लाह और उसके वसल्लम की करेगा, तो जन्नत में उनका साथ उनके साथ होगा किन के साथ नबियों के साथ शहीदों के साथ के साथ और सिद्दीकिन के साथ कहीं पर लालत नहीं करती कि नबूवत दी जाएगी ये तो मरने के बाद के दर्जा जो चारों दर्जे जन्नतियों के हैं और उस हिसाब से अल्लाह जिस तरह जिस तरह जिस तरह लोग अता करेंगे उनको जन्नत में उनके साथ रखा जाएगा ये कहाँ का आप तर्जुमा करते हैं कि नबूवत मिलेगी ये बताएंगे मुझे थीक थीक जी जो आज के कॉलर होंगे, आप हैं। हाँ जी ठीक है अमीन साहब हम तर्जमा वो करते हैं जो कुरने करीम के मुताबिक है और जो लुगत के मुताबिक है अब देखें वो जो शैतान है उसके बारे में आता है लम यकुन मा साजदीन वो उनके साथ नहीं था और दूसरी जगह फरमाया लम यकुन मिन साजदीन वो फरिश्तों के साथ मे से सजदा करने वाला नहीं था तो माँ के माने मिन है मिनन न जीना इसलिए आगे जाके अल्लाह तकीदन फरमाया मनन न जीना और जब कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि उम्मत में नबुवत होगी या बनी आदमा इम्मा याते तो कुम रसोल मिन मिन कुम तुम में से और ये बनी आदम है इंसान इन, इन, के बच्चे को कहा है ये किसी और मखलूक को नहीं कहा बनी आदम को कहा है में रसूल होंगे सूरत राफ की आयत है गालमन और फिर यह भी कि अल्लाह हो यास्तफ़ी मलाय का तेरो वाम अल्लाह चुनता है और चुनेगा यस्तफी मुजारे का सीगा है जिसके माने चुनना चुनता है और चुनेगा रसूलों में से भी इंसानों में से भी रसूल चुनेगा और फरिश्तों में तो, तो वो भेजता ही है तो ये रसालत का जिक्र कुरान करीम में मौजूद है कि वो है तो इस लिहाज से यहां जन्नत वाली बात नहीं है जब ये इस दुनिया में वो करेंगे तो वो हस दर्जे पाएंगे इसका मतलब है ये चारों दर्जे जो हैं इस उम्मत में अल्लाह और रसूल की पैरवी करके इंसान इस दुनिया में कोई दर्जा हासिल कर नहीं सकता वो ठीक है जिनका जिक्र पहले गुजर गए पहली उम्मतों में अलैहि वसल्लम का फैज ही कोई नहीं नाविल्ला नावजबिल्ला आपकी पैरवी से इंसान साले होता है इस उम्मत में आप सुलहा की नफी करते हैं आप शोहदा की नफ़ी करते हैं आप हजरत अबू बकर बकरीक की भी नफी कर देते हैं सिर्फ इस वजह से कि आप नबूत की नफी करते हैं ये मुमकिन नहीं है कुरान करीम की आयत का यह मतलब नहीं है और इमाम रागब को जाके देखें जो सबसे मुस्तनद लुगत है कुरान करीम की उसमें वो ये चारों दर्जे वो बताते हैं कि यह हासिल होते हैं इंसान जब एक मोमन जॉब अल्लाह और उसके रसूल की अतहत करता है तो उसको ये दर्जे मिलते हैं वो इनके साथ होते हैं तो साथ होना इस तरह नहीं है कि एक वजीर आजम के साथ उसका ड्राइवर हो वो भी साथ होता है यहां माइत मरतबी है मरतबे के लिहाज से वो साथ हैं जो मिन के मानों में होता है उसमें शामिल हो जाते हैं वरना सारे दर्जे जो हैं इस दुनिया में उनकी नफ़ी होती है नवजबिल्ला हजर का फैज़ कालदम हो जाता है और आपकी पैरवी से अल्लाह के अल्लाह और उसके रसूल के अता से कोई शख्स इस दुनिया में नहीं हासिल कर सकता ना वो साले हो सकता है ना नबू आ, शहीद हो सकता है शहीद यानी गवाह अल्लाह की सदाकत पर रसूल की सदाकत पर और शदीक ये नहीं हो सकते और नबी भी नहीं हो सकते इस वजह से नहीं हो सकते कि चूंकि नबी नहीं हो सकता ये कहाँ की अकलमंदी है कि रसुलम का सारा फैज और उम्मत के सारे ओलिया सारे हा को आप कल अदम कर देते हैं सिर्फ अपने अपने बाददे की वजह से झूठे अकीदे की वजह से जब रसूल करीम सल्म खुद फरमाते हैं कि नबी आएगा इन्ना नाजन और आपकी जीन में यह बात दखल है कि ईसा ने आना है वो आएगा कि नहीं आएगा लेकिन आप उसको अताद से बाहर करके लाते हैं तो यहां नबी ना आने का जितना भी आपकी दलीलें हैं वो आने वाला जिसको आप ईसा कहते हैं बनी इसराइल का ईसा वो तोड़ देता है आपको कहीं कहीं नहीं छोड़ते वो तो इसलिए ये जो इसके हकीकी माने हैं अतात से वो फैज़ मिलता है वो रोशनी मिलती है दस दिन अमल करने से वो रोशनी मिलती है जो पहले हजारों साल में नहीं थी मिलती तो इससे सिर्फ इस वजह से कि चूंकि आप नबूवत को रद्द करते हैं पहले तीन दर्जे भी रद्द होते हैं तो जन्नत की यहां बात नहीं इस दुनिया में अमल की बात है अतः इस दुनिया में करनी है तो ये दर्जे मिलने हैं और उम्मत में पंद्रह सौ साल में ऐसे सुलहियाल्ला और, और अल्लाह के दोस्त पैदा हुए जिन्होंने ये दर्जे हासिल किए और आखिर में उस वजूद ने आना था जिसकी पेशगोई थी इला यकून नबी उनके तहत एक नबी ने आना था और ये चारों दर्जे तब पूरे होने थे ये की सदाकत और कुरान करीम की सच्चाई रसूल सल्म की सच्चाई अल्लाह तला के कलाम की सच्चाई की रोशन दलील की समाप्त रहे थे प्रोग्राम में आज हमारे साथ जनाब हादी अली चौधरी साहब मौजूद थे आपका मशहूर है उसके अलावा सामिन कराम आप सबका भी ममनून जो प्रोग्राम को सुनते हैं और इसमें किसी न किसी रंग में शामिल रहते हैं कंट्रोल पैनल पे हमें अजहर अहमद वड़ाइ साहब की खिदमत हासिल रही कुछ ही देर के बाद हम आपसे इजाजत चाहेंगे और आपकी खिदमत में आखिर में हम एक ईद के हवाले से एक नजम पेश करेंगे अगले इतवार की, की दरमियान आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए अतौल कुदूस को इजाजत दीजिए अल्लाह तब को अपनी हिफ मान में रखे आमीन तमाम अहबाब को हमारी तरफ से ईद मुबारक असल वरम्ह वो पर दुनिया में जुल्म के खात्मे के लिए दुआ करे अल्लाह इस दुनिया से जुल्म काम करे और फिर तो तला को पहचानने वाले ही लोग हो जाए और दोबारा नॉर्मल हालात पे दुनिया आ जाए लेकिन ये तो भी मुमकिन है दुनिया वाले खिला तो को पहचानेंगे अल्लाह का अदा करने वाले बनेंगे और उसके बंदों का अकदा करने वाले बनेंगे अल्लाह सब कुछ की तफरी के ताफरमाएलैक् रम्हुमारको उन आपको सलामकुम के गीत गाना पैगाम ईद का है नफरत को है मिटाना पैगाम ईद का है उल्फत के गीत गाना पैगाम ईद का है नफरत को है मिटाना पैगाम ईद का है नाराजगी और रंजिश दिल से निकालनी है रूठे हुए मना पैगाम ईद का है नाराजगी रंजश दिल से निकालनी है रूठे हुए मना पैगाम ईद का मोहताज मुफल सो को खुशियों में करना शामिल उनको गले लगाना पैगाम ईद का है, उल्फत के गीत गाना पैगाम ईद का है नफरत को है मिटाना पैगाम ईद का हर